यस हेलो, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से आ जाइए सभी के सभी। आज हमारा कौन सा सेशन है? आज हमारा है यूनिट 7। आज हम लोग यूनिट 7 करने वाले। एज यू नो कि मैं सुपर रिविजन सीरीज में हमारा चल रहा है, जहां पर ये सेशन हमारा लगभग 2 घंटे का सेशन होगा, उसके बाद आधे घंटे का हमारा एमसीक्यू सेशन होगा टेक्स्ट बुक के ऐप पर। तो आज मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ, तो ये आपका सिलेबस है और आज ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपका एक ओवरव्यू, ठीक है ना, ओवरव्यू के थ्रू आज ये का पूरा सिलेबस मैं कोशिश करूंगी कि आपका कंप्लीट करने का। आज की क्लास में हम लोग बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग क्यों आया, कैसे आया, एनपीए क्या है, री इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, एनबीएफसी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए, बेसल नॉर्म्स, पॉलिसी मैनेजमेंट, आरआरबी, डेवलपमेंट बैंक, सारी जो भी आपके सिलेबस में जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारा कुछ आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो? हाँ जी, सभी लोग रेडी है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी। स्टार्ट करें? चलिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, ये सिलेबस आपके स्क्रीन पर, आई होप के सबके पास सिलेबस होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस हम लोग आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग करने वाले हैं। क्लास हमारा डेली 8 PM पर होता है और 10 PM पर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। अभी थ्योरी करेंगे, 10 PM पर एमसीक्यू करेंगे। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए, जिस मोड पर वीडियो पसंद है उस मोड पर ही लाइक कीजिएगा। अभी लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर कोई आपका रिक्वायरमेंट हो, कोई टॉपिक छूट जाए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्लास के एंड में। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म जो आया था वो 1991 में आया था, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए गए थे। लेकिन एक्चुअल में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए क्यों गए थे, इसका रीजन, इसका जरूरत क्यों पड़ा हमें सुधार करने का, ये सभी लोग आ गए हैं ना? सभी लोग कहाँ हैं, अभी तक पहुंचे नहीं क्या? यस, बैंकिंग इंडस्ट्री में सुधार करने की एक्चुअली में जरूरत क्यों पड़ा, इस चीज को पहले समझेंगे। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, है ना, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि एनपीए का जो परसेंटेज था वो काफी हाई था, प्रोडक्टिविटी लो थी, डुअल कंट्रोल था, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी कंट्रोल था। जितनी कंपनियां थी वो सारी सिक कंपनियां हो गई थी। सिक कंपनियां किसको हम लोग बोलते हैं, जो कंपनी प्रॉफिट नहीं दे पाती है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, दैट इज कॉल्ड आपका सिक कंपनी। प्रॉफिट का जो आपका रेशियो था वो बहुत कम हो चुका था, मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा था, और साथ में जो है वहां पे इंटरेस्ट रेट, मतलब जो आपको कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई के पास जो रखने पड़ रहे थे उसके इंटरेस्ट रेट भी क्या थे, बहुत ज्यादा हाई थे, यानी रिजर्व रेशियो जो था वो काफी ज्यादा हाई था। तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम्स है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपका बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आया। ये रिफॉर्म्स कब आया, ये रिफॉर्म्स आपका 1991 में आया, है ना, ये रिफॉर्म्स कब आया, 1991 में आया। बैंकिंग सेक्टर में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोले कि सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो वहां पर एक कमेटी बनाई गई, बोले कि कमेटी बनाते हैं, और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमारे नरसिम्हम साहब थे, है ना, एम नरसिम्हम जो थे कमेटी के चेयरमैन थे, और उसी के नाम से हम लोग कमेटी को जानते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में उनको उनकी कमेटी बनाई गई और बोला गया कि नरसिम्हम साहब देखिए हमारे इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, अब क्या करना है। तो नरसिम्हम जी ने कुछ समय लिया, और समय लेने के बाद उन्होंने एक अपना रिकमेंडेशन दिया, और उन्होंने रिकमेंडेशन में बोला कि अगर बैंकिंग सेक्टर में सुधार चाहिए तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशन किया, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को कैसे स्ट्रेंथ किया जाए उस पर बात किया, एसेट क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए उस पर उन्होंने डिस्कस किया, कौन कौन से मेथड है जो कि हम लोग बैंकिंग सिस्टम में अपना कर एनपीए को कम कर सकते हैं उस पर उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, साथ ही स्ट्रक्चरल इश्यू जो है उस पर डिस्कस किया, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में बात की। अगर यहाँ पे मेनली मैं कुछ बारे में कुछ अगर बात करूं यहाँ पे, तो नरसिम्हम साहब ने बोला कि देखिए कुछ आपको बैंक जो है ऐसे खोलने पड़ेंगे जो कि आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करे, बोले तो इंटरनेशनल लेवल पर बैंक आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ बैंक आप ऐसे कीजिए जो आपका ऑल ओवर इंडिया में 8 से 10 ऐसे बैंक रखिए जो कि ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे वर्क करे। लोकल एरिया में आप बैंक ओपन कीजिए, रूरल बैंक ओपन कीजिए, एसएलआर का रेट बहुत ज्यादा हाई है उसको कम कीजिए, सीआरआर का रेट बहुत ज्यादा हाई है उसको कम कीजिए, डुअल कंट्रोल जो है उसको हटाइए। यानी कि ये सब उन्होंने क्या किया, नरसिम्हम जी ने अपना सुझाव दिया, जो उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया उसको हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेशन बाय द नरसिम्हम कमेटी इन 1991, उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल से लिखी गई।
और मैक्सिमम चीजें गवर्नमेंट ने उसका फॉलो भी किया। पहले अगर मैं आपको बता दूं, बैंकिंग रिफॉर्म्स आने से पहले जो SLR का परसेंटेज था वो 38.5% था, जो हमारा CRR का परसेंटेज था वो हमारा लगभग 25% था, जो आज की डेट में 4% है। SLR जो 38% था, 38.5, उसको बोला नरसिम्हन साहब ने कि कम कीजिए, कम करके उसको 25 तक लेकर आइए, और कम करते करते आज वो बहुत ज्यादा कम पर आ चुका है। तो ये सारे रिकमेंडेशन जो नरसिम्हन साहब ने दिए, और इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपका PSB है उसमें क्या कीजिए, गवर्नमेंट का स्टेक जो है उसको 50% से कम कर दीजिए, RTI का जो है आप वहां पर लेकर आइए, उसके बाद जो भी आपका प्राइवेटाइजेशन है उसमें रिफॉर्म लेकर आइए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंक जो उसका एस्टेब्लिशमेंट कीजिए, गवर्नेंस में आपका रिफॉर्म्स लेकर आइए, ठीक है। तो ये सारी कुछ बहुत सारे उन्होंने क्या दिए, सुझाव दिए। और 1991 में बोला जाता है कि बैंकिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था और उसको हम लोग बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, जो कि 1991 में आया था। चलिएगा, अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बैंक का स्ट्रक्चर सभी कोई जानता है कि भैया RBI सबसे ऊपर हेड पे होता है, RBI जो है वो पप्पा है सारे बैंकों का, उसके बाद हमारा शेड्यूल बैंक आता है, उसके बाद अनशेड्यूल बैंक आता है, फिर शेड्यूल बैंक के अंदर में कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक आता है, कमर्शियल बैंक के अंदर में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और रिजर्व रूरल बैंक यानी कि RRB आपका आता है। तो अब शेड्यूल और अनशेड्यूल बैंक क्या है, इसको अनशेड्यूल का तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक हम लोग बोलते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक क्या हो गया कि जो बैंक आपका सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड हुआ उसको हम लोग सेकंड शेड्यूल बैंक के नाम से जानते हैं। और जनरली हमारा जितना भी बैंक वो सारा किस में आता है, आपका शेड्यूल बैंक के कैटेगरी में ही आता है। आज की डेट में आप जो भी बैंक उठाकर देख लो, चाहे वो आपका RRB हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, सारा आपका कैसा बैंक है, सारा आपका शेड्यूल बैंक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि टेक्स्टबुक के सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आपका सेल यहां पर चल रहा है, जहां पर आपको कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में आपको सुपर टीचर से पढ़ने का मौका भी यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 15,399 में। कल इसका जो प्राइस था आपका, कल आपका 9 मंथ का जो कोर्स है वो ओनली 5,600 समथिंग में आ रहा था, ठीक है, 5,600 समथिंग में आ रहा था। तो एक बार जाके आप देख लीजिएगा कि वो आपका अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल होगा तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ वहां पर फ्री था। तो साइट पर जाकर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कल 12 बजे तक ये ऑफर था, ये एप्लीकेबल है कि नहीं चेक कर लीजिएगा, अगर एप्लीकेबल होगा तो ये ऑफर आपके लिए बेस्ट होगा, दोनों एग्जाम कवर हो जाएंगे, और अगर ऑफर खत्म हो गया होगा देन यू हैव टू पे 15,399, उस पर 25% का ऑफ आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैंक में हमको पता है कमर्शियल बैंक, तो ये कमर्शियल बैंक क्या होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आज का सेशन हमारा बहुत ज्यादा जबरदस्त सेशन होने वाला है, आज हम लोग स्मॉल स्मॉल काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं कि बैंकिंग वाले ये जो आपका एरिया है ना, इसमें आपको याद बहुत ज्यादा करना पड़ता है, समझना तो है ही, लेकिन इसमें ईयर सिस्टम बहुत सारी चीजों को रट्टा भी मारना पड़ता है, तो इसीलिए एरिया थोड़ा सा हमें क्या होता है, इजी तो लगता है लेकिन चीजें याद नहीं रहती है, तो इसको रिवीजन कंटिन्यू रिवीजन मांगता है, ये जो आपका यूनिट 7 ये आपसे कंटिन्यू रिवीजन मांगता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो कमर्शियल बैंक जिस बैंक में आप जाते हो, आप पैसा अपने अकाउंट अपना खुलवा के रखा है तो बैंक जाते हो ना पैसा जमा करने के लिए, या कहीं पर एडमिशन लेना है, DD बनाने जाते हो, तो जो भी बैंक में आप जाते हो, दिस ऑल आर बैंक आर व्हाट, कमर्शियल बैंक। तो अब देखो, अब कमर्शियल बैंक भी किसके अंदर में आता है, तो कमर्शियल बैंक भी आपका शेड्यूल बैंक में आता है। अब शेड्यूल बैंक क्या था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है कि 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है, RBI एक्ट कौन सा है, RBI एक्ट आपका 1934 है। तो RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में, कौन सा शेड्यूल आपका, सेकंड शेड्यूल में जितने भी आपके बैंक रजिस्टर्ड हुए हैं वो सारे हमारे कौन से बैंक में आते हैं, वो सारे हमारे कमर्शियल बैंक में आते हैं, और वहां पर पेड अप कैपिटल जो है आपका 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और ये सेक्शन बात किया गया 46 सबसेक्शन ए अंडर सेक्शन आपका ए में, 6 अंडर सेक्शन ए में इसके बारे में बात की गई है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें फंक्शन के बारे में, कौन से बैंक के फंक्शन के बारे में, कमर्शियल बैंक के फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, हम लोग आएंगे RBI के फंक्शन के बारे में आएंगे आगे में चलकर, लेकिन अभी कमर्शियल बैंक के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, आप जो बैंक जा रहे हो वो कमर्शियल बैंक है, दिमाग में उसको रख लीजिएगा। अब इसका फंक्शन जो है ना, एग्जाम में आपके फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में पूछता है कौन सा सेकेंडरी फंक्शन नहीं है या कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो देखिएगा प्राइमरी फंक्शन क्या है, पैसा लेना और पैसा देना,
ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पब्लिक को डिपॉजिट लोन देना, यही इसका मेन प्राइमरी फंक्शन है। किसका? कमर्शियल बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, कमर्शियल बैंक का। और बाकी जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, वो लॉकर दे रहा है, वो आपको चेक दे रहा है, वो एटीएम दे रहा है, वो आपका एजेंट है ना, वो आपको जो है एदर कोलैबोरेटिव फैसिलिटी दे रहा है, जितनी भी फैसिलिटी वो दे रहा है आपको, इसके अलावा एक्सेप्ट डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन के अलावा, वो सारा आपका किसमें आ जाता है? सेकेंडरी फंक्शन में। तो देखिएगा एक्सेप्ट डिपॉजिट कैसे करता है, सेविंग भी होगा, फिक्स्ड भी होगा, करंट भी होगा, आरडी भी होगा। या तो सेविंग अकाउंट में आप पैसे डालोगे, या तो करंट अकाउंट में पैसे डालोगे, या एफडी में डालोगे पैसा, या फिर आरडी में डालोगे पैसा। और कोई ऑप्शन है पैसा डालने का? अगर आपको बैंक में डालना है पैसा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो सेविंग करोगे, या तो करंट अकाउंट में, या तो आरडी में, या तो एफडी में। तो यहां से आपसे पैसा डिपॉजिट करना, और आपको एडवांसेस देना, एडवांस देने का मतलब ओवरड्राफ्ट देना, या कैश क्रेडिट देना, या लोन देना, या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये सारा हमारे कौन से फंक्शन में आ जाएगा? ये सारा हमारा प्राइमरी फंक्शन में आ जाएगा। तो मैम सेकेंडरी फंक्शन में क्या आएगा? तो इसके अलावा जितना भी फंक्शन होगा वो सेकेंडरी फंक्शन में, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, आप समझ जाओगे आराम से। तो देखिएगा ट्रांसफर फंड का ट्रांसफर करना, पीरियोडिक पेमेंट हो गया, कलेक्शन ऑफ चेक हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, एजेंसी फंक्शन हो गया, लॉकर हो गया, अंडरराइटिंग हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, यूटिलिटी फंक्शन हो गया, दिस ऑल आर द सेकेंडरी फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं जनरली। आगे बढ़ते हैं। अब देखो शेड्यूल्ड बैंक को जो क्लासिफाई किया गया है वो आपका पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, रूरल बैंक और फॉरेन बैंक, ठीक है। ये चार बैंक हो, पूछेगा कि शेड्यूल्ड बैंक के अंदर में कैसे कैसे बैंक आते हैं, तो पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, शेड्यूल्ड बैंक और आपका रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक और आपका आरआरबी, ये सारा आपका जो होता है शेड्यूल्ड बैंक के अंदर आता है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक आपका वो बैंक होता है जिसका, है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक आर बैंक इन विच द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई हैज अ मेजर होल्डिंग, जिसका मेजर होल्डिंग यानी जिस बैंक का मेजर होल्डिंग गवर्नमेंट या आरबीआई के पास है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। इसको हम लोग आगे चल के डिवाइड किसमें करती है? एसबीआई के और उसके एसोसिएट्स में। अभी मेरे को बताओ कि एसबीआई के एसोसिएट्स अभी है क्या? यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इतना लेट आप लोग आ रहे हो क्यों? हाँ बिल्कुल स्नेहा। अच्छा मेरे को ये बताओ कि एसबीआई और इसके एसोसिएट बैंक अभी है क्या? यस और नो में मेरे को आंसर कीजिए ना। बिल्कुल नहीं है अभी, है ना। सारे जो एसबीआई और उसके जो एसोसिएट बैंक्स थे वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? मर्ज हो चुके हैं। तो अब वो बैंक्स आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वजनिक बैंक कहते हैं। और सार्वजनिक बैंक वो बैंक होता है जिसका मेजर शेयर जो होता है, होल्डिंग जो होता है, वो या तो सरकार के पास होता है या तो फिर आपका आरबीआई के पास होता है। बड़ी हिस्सेदारी मतलब मोर देन 50%, है ना। जब भी मेजर होल्डिंग के बारे में बात आएगी तो मोर देन 51% हम लोग कंसर्ट करते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो एसबीआई और इसके एसोसिएट जो थे, पहले आपके एसबीआई थे और उसके छह एसोसिएट बैंक्स भी थे, जैसे कि आपका सोबेग्रियन था, पटली, त्रिपुरा, ये क्या कहते हैं आपका, याद नहीं आ रहा मेरे को, छह उसका बैंक था, ठीक है, याद नहीं आ रहा भाई। छह उसके बैंक थे जो कि क्या कर गए, उसके मर्ज कर गए। एक आपका और बैंक ओपन हुआ था, भारतीय महिला बैंक, ठीक है ना। भारतीय महिला बैंक भी एक ओपन हुई थी। ये बैंक आपका महिलाओं के द्वारा रन की जा रही थी, महिलाओं को एम्पावरमेंट के उद्देश्य से ये बैंक आपका ओपन किया गया था, भारतीय महिला बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं बीएमबी। ये पूरा बैंक जो थी, इसके स्टाफ वर्कर जितने भी लोग थे सब महिला थी, वो बैंक चलाती थी। तो लेकिन ये बैंक भी आगे चलकर आपका एसबीआई में मर्ज हो गया था 2017 में। तो अब ये बैंक भी आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। नेशनलाइज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। सबसे पहले स्टेट बैंक के बारे में अगर हिस्ट्री जाने तो 1955 में जो आपका इंपीरियल बैंक था, सबसे पहले आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक, कौन सा एक बैंक और था बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, एक और कौन सा था और कौन से ईयर में था जब ये तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया था? इन तीनों बैंकों को मर्ज कर आपका इंपीरियल बैंक बना, और इंपीरियल बैंक के बाद फिर इसको एसबीआई बना दिया गया, यानी यही आपका रिफॉर्म्स होते गया। तो 1955 में इंपीरियल बैंक जो है आपका नेशनलाइज हुआ और उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से क्या, उसको नाम दिया गया, जिसको आज हम लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी का वहां पर खाता जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यस, कोलकाता, है ना, बॉम्बे, मद्रास और आपका कोलकाता। 1930 था कि 1921 था? 1930 था कि 1921 था, मुझे कंफर्म कीजिए ना एक बार। यस, तो 1955 में ये हो गया। उसके बाद आपके
1955 में ये आपका क्या हो गया, नेशनलाइज्ड हो गया। उसके बाद 1969 19 जुलाई को 14th कमर्शियल बैंक जो है वो नेशनलाइज हुए थे, और उसके बाद 1980 में फिर से 6 बैंक आपके नेशनलाइज हुए थे। तो ये आपको ईयर याद करना है, ये ईयर आपका मैच द फॉलोइंग में एग्जाम में पूछा जाता है। तो 14 बैंक कब हुए थे 1969 में, 6 बैंक कब हुए थे आपके 1980 में, तो टोटल होते हैं आपके 20 बैंक, लेकिन बचा आपका 19 ही बैंक। क्यों? क्योंकि एक बैंक जो था आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये बाद में आपका पीएनबी में मर्ज हो गया, तो इसीलिए 20 ना होकर 19 ही वहां पर उसके बाद आपका बचा हुआ था। आगे चलते हैं, अब बैंकों को नेशनलाइज किया क्यों गया था। पहले बैंक जो थे अपने नेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्या होता है इसका मतलब होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहले जितने भी बैंक थे वो अपनी मन मर्जी से काम करते थे, अपने हिसाब से रेट लेना, कोई कम ले रहा कोई ज्यादा ले रहा, किसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, सब अपने हिसाब से मनमानी कर रहे थे। तो सारे बैंकों को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया, बोला कि अपने अंडर मतलब कि अब आपको मेरे रूल रेगुलेशन जो है वो मानना पड़ेगा, और वहां पर उन बैंकों को कंट्रोल किया गया, एक रूल एक फ्रेम में एक पॉलिसी में डाला गया, ताकि प्रॉपर बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपका प्रॉपर वे में काम कर पाए। ठीक है, ठीक है, हाँ 1921 बिल्कुल, तो 1930 क्यों बोल रहे हैं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हमारा। हाँ, तो सोशल वेलफेयर के उद्देश्य से कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलिस और एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, ये तीनों के ऑब्जेक्टिव से जितने भी बैंक थे आपके भारत में उसको क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। आगे चलते हैं, अब आता है आरआरबी बैंक का आपका कॉन्सेप्ट। आरआरबी का मतलब क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक। यहाँ पर आपका ये रिकमेंडेशन जो है नरसिम्हन साहब ने ही दिया था अपने रिपोर्ट में कि रूरल एरिया में भी बैंक्स होने चाहिए। तो देखिएगा आपका इसका अलग से एग्जाम होता है, जैसे कि आपका आईबीपीएस का एग्जाम होता है, वैसे आरआरबी का अलग से एग्जाम होता है। ये क्या होता है, ये वैसे बैंक होते हैं जो कि रूरल एरिया में सिर्फ होते हैं, जैसे कि दिल्ली में आपका ये बैंक नहीं है क्योंकि दिल्ली में रूरल एरिया नहीं है। जितने भी रूरल एरिया होंगे ना वहां पर ये बैंक आपका एग्जिस्ट करते हैं। रीजनल लैंग्वेज को वहां पर प्रेफरेंस दिया जाता है, और रीजनल रूरल बैंक जो है आपका ओपन किया गया था। ये कब ओपन किया गया, गवर्नमेंट ने कब इसको प्रोमोगेट किया था, तो 26 सितंबर 1975 को, और ये ऑडियंस में कब आया था, तो ये आपका ऑडियंस में आपका 1975 26 सितंबर 1975 को ये ऑडियंस में आया था। ये स्टैब्लिश कब हुआ था मेरे को बताएगा, आरआरबी स्टैब्लिश कब हुआ था। अच्छा स्पीड ज्यादा है, थोड़ा सा स्लो करें। हाँ जी, आरआरबी स्टैब्लिश कब हुआ था, तो आरआरबी याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1975 को आपका स्टैब्लिश हुआ था, और ऑर्डिनेंस जो पास हुआ था, ऑर्डिनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं यानी अध्यादेश, जो अध्यादेश पास हुआ था वो 1975 में हुआ था। ठीक है, 1975 इज द ओनली करेक्ट आंसर, है ना, 1975। बस यहाँ पे डेट अलग है, एस्टैब्लिशमेंट 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे वाले दिन हुआ था, और जो ऑडियंस पास हुआ था वो आपका 26 सितंबर को यहाँ पर पास हुआ था। तो देखो यहाँ पे लिखा है बैंक हैज स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2 अक्टूबर 1975, और इसका आरआरबी का एक्ट कौन सा है, तो ये भी याद रखिएगा आरआरबी एक्ट 1976। अब मेरे को ये बताओ कि आरआरबी बैंक जो है इसको कंट्रोल कौन करता है, ये आरआरबी बैंक किसके अंडर में आता है, यहाँ पर ये नाबार्ड के अंदर में आता है या फिर ये आरबीआई के अंडर में आता है, फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन डेट बताया, सबसे पहले कि आरआरबी स्टैब्लिश हुआ आपका 1975 सेकेंड अक्टूबर को, ऑर्डिनेंस पास हुआ आपका 26 सितंबर 1975 को, और जो इसका एक्ट आया था आरआरबी एक्ट दैट इज 1976। कंफ्यूज मत करना, आरबीआई एक्ट 1934 में आया था और आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, और आरआरबी एक्ट जो होता है आपका वो 1976 में आया था। इनिशियली 5 आरआरबी को एस्टैब्लिश किया गया था। सबसे पहला जो रूरल बैंक था उसका नाम था प्रथमा बैंक। क्या? प्रथमा बैंक सबसे पहले का नाम था। स्टार्टिंग में आपके 5 आरआरबी को एस्टैब्लिश किया गया था, कहां कहां पर, यूपी में, आपका भिवानी में, जयपुर में, और मालदा यानी कि वेस्ट बंगाल में। उसके बाद 31 मार्च 2019 तक टोटल आपके 56 रीजनल रूरल बैंक हो गए। अभी क्या डेटा है वो यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा, है ना, नाबार्ड के अंदर में आता है। नेगेटिव मार्किंग कहां से आ गया भाई जगदीश, नेगेटिव मार्किंग कहां से आ गया, एंटी में नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, क्या पूछ रहे हो। तो ये आपका हो गया
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रीजनल रूरल बैंक जो है ओपन क्यों किया गया था, क्यों क्यों जरूरत पड़ा आरआरबी ओपन करने का, तो देखिएगा हर बैंक जो है, बैंक कोई सामाजिक संस्था नहीं है, बैंक आपका सेवा करने के उद्देश्य से उत्पन्न नहीं ओपन नहीं किया गया है कि हम लोग समाज का सेवा करेंगे। बैंक जो है प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है, उसको पैसा कमाना है। तो यहाँ पे जो भी बैंक ओपन किया गया था, अब जो एग्रीकल्चर को, अब आपको पता है कि हमारा बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चर है भारत का। अब एग्रीकल्चर में क्या होगा कि एग्रीकल्चर वालों को पैसा चाहिए, उनको कैपिटल चाहिए होगा स्टार्टिंग में। देखो एग्रीकल्चर वालों जो फार्मर्स होते हैं उनके पास पैसा कब आएगा, जब वो अपना जो कल्टीवेशन करेंगे और जो क्रॉप्स होगा वो बेचेंगे तब उनके पास पैसा आएगा ना। लेकिन स्टार्टिंग में उनको फसल उगाने के लिए, फसल लगाने के लिए तो पैसा चाहिए, तो वो पैसा लेने के लिए कहाँ जाएगी, तो वो बैंक के पास जा रही थी। बट बैंक उनको एंटरटेन नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां पर आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा आपका पैसा डूबने का डर होता है। तो यहाँ पर देखा गया कि नहीं भाई, रूरल सेक्टर को तो इस तरह से अवॉइड किया जा रहा है, तो वहां पर आरआरबी बैंक को एस्टैब्लिश किया गया कि नहीं, रूरल सेक्शन जो है हमारा, जो हमारा वीकर सेक्शन है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्शन है, उसको भी हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उसको इनकरेज करने के उद्देश्य से, उसको मोटिवेट करने के उद्देश्य से, वीकर सेक्शन को और ऊपर लेके जाने के उद्देश्य से आपका आरआरबी बैंक जो है स्टार्ट किया गया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि रूरल एरिया को सपोर्ट करना और उनके अंदर जो सेविंग्स है उसको क्या करना, एनहांस करना। तो अगर आरआरबी के फंक्शन के बारे में मैं बात करूं तो आरआरबी का मेन फंक्शन क्या था कि लोन प्रोवाइड करना और एडवांस देना किसको, स्मॉल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर्स को, ताकि वो अपना जो है आपका सीडिंग का और फार्मिंग का काम जो है स्टार्ट कर सके। उसके बाद जो डोर स्टेप ऑफ द रूरल पीपल पर्टिकुलरली इन दोज एरिया विच आर नॉट सर्व बाई एनी कमर्शियल बैंक, जहां पर कोई कमर्शियल बैंक नहीं है वहां भी जाना। मेरी एक फ्रेंड है वो काम करती है रूरल, मेरी जब हम लोग तैयारी कर रहे थे बहुत पहले, मैं बैंक का तैयारी करी थी आपको पता होगा, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया कि यार इतना देर बैंक में बैठ के 10 घंटा 8 घंटा मेरे से काम नहीं हो पाएगा, तो मैंने उस प्रोफेशन को छोड़ दिया। बैंक का सारा एग्जाम ऑलमोस्ट मेरा क्लियर है, पीटी सारा क्लियर है, मेंस भी 2-4 क्लियर है मेरे, कुछ कुछ बैंक आरआरबी का मेंस भी क्लियर है, बट फिर मैंने इसको मतलब ज्वाइन नहीं किया। तो यहाँ पर क्या कि मेरी काफी सारे फ्रेंड लोग अभी जो है आरआरबी बैंक में है, अब उनकी पोस्टिंग हुई है, वो कहते हैं कि प्रियंका एक तो मतलब कि गांव में पूरा पोस्टिंग दे देते हैं, रूरल बैंक में क्या कि गांव में आपको पोस्टिंग देंगे। अब वो क्या है कि अब वहां पे गांव में रहना, बिजली पानी की सुविधा उतनी होती नहीं है, तो गांव से थोड़ा सा दूर जाकर शहर पर जाते हैं, तो ऑफिस जाने आने में इतना टाइम वेस्ट होता है। फिर बोलते हैं जैसे स्विच ऑन करते हैं ना, तो मतलब इतना मतलब बड़ा ही मतलब क्या बोले कि बड़ा ही रोती है सभी लोग कि मतलब ऐसा जगह पोस्टिंग मिल गया है। और बोलते हैं बैंक में आपके जो लोग आते हैं उनको हिंदी भी नहीं आती, सबका रीजनल लैंग्वेज है, कोई भी कैसे भी मतलब हम मैंने बोला कि गर्मी में कैसा एसी वगैरह है, तो बोलती पंखा लग जाए तो वही बहुत बड़ा बात है, मतलब ये हालत होती है। तो वहां पर वैसे लोगों को, अब वहां पर क्या है कि जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं ना, एक्चुअली वो डरते हैं बैंक में जाने से कि कहां पर कौन कैसे साइन करवा लेगा, कहां पर इंप्रेशन ले लेगा, तो वो उतना बाहर के लोग पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। तो वहां पर क्या है कि रीजनल और लोकल लोगों को क्या करते हैं, प्रिविलेज वहां पर देते हैं, इसलिए रीजनल लैंग्वेज को वहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि हाँ लोगों से थोड़ा सा कनेक्टिविटी हो। तो जहां पर कमर्शियल बैंक आपका नहीं पहुंच पाता है ना, वहां पर आरआरबी बैंक जो होता है उसका मेन मकसद वही होता है कि वहां पर ओपन करना और लोगों को क्या करना, फैसिलिटी देना रूरल एरिया के लोगों को। अब वहां पर क्या करना कि उनको लोअर इंटरेस्ट रेट पर चीजें दी जाती है, है ना, उनसे जो इंटरेस्ट रेट भी जो होता है वो क्या होता है, लोअर लिया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो भी अपना काम है, अपना जो भी फार्मिंग है वो उसको स्टार्ट कर सके। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, क्या करना, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को। उसके बाद लोन अराइज टू इनकरेज देन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिस्टिक एंड रिलेटेड गुड्स को लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपका जो सेविंग्स का हैबिट है ना, बैंक जो है आपका लोगों के अंदर सेविंग्स का हैबिट डेवलप करती है। एक चीज आप देखना कि रूरल एरिया में ऐसा नहीं है कि पैसे का बहुत ज्यादा कमी है, रूरल एरिया में भी लोगों के पास पैसे हैं। मैं रूरल एरिया में गई हूँ, मैंने काम भी किया है कुछ समय तक एज अ सर्विस, तो वहां पर मैं देखती हूँ कि लोग जो पैसा रखते हैं ना, कोई मटके में रखा है पैसा, कोई चावल के डब्बे में रखा है पैसा, एक्चुअली में लोग पैसा वहीं रखते हैं, वो डरते हैं बैंक में पैसा रखने से। तो वहां पर क्या है कि आरबी बैंक का ये भी मोटो था कि सेविंग्स को, जो आपके जो रूरल एरिया है उनके अंदर सेविंग्स के हैबिट को क्या किया जाए कि डेवलप किया जाए, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ हाँ कस्टमर, बिल्कुल कस्टमर जो है बैंकर को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन वो डरते हैं। कभी भी देखिएगा अगर रूरल एरिया में, बिल्कुल परमेश्वर आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ उस चीज को समझिए,
कि जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं ना, उनको जब पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो हमारे को क्या है कि मेरे को जब पैसा चाहिए होता तो मेरे दिमाग में पहला आता है कि बैंक से लोन ले लेंगे। लेकिन रूरल एरिया के लोग सबसे पहला बैंक का ऑप्शन नहीं चूज करते हैं, वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि कोई दोस्त से ले ले, कोई महाजन से ले ले। वो बैंक में जाने से, पेपर वर्क करने से ये सबसे डरते हैं, क्योंकि वो उतने लिटरेट नहीं होते हैं। इसकी वजह से मैं उस डर के बारे में बात कर रही हूँ, और सबसे बड़ा रीजन यही है, अनऑर्गेनाइज्ड जो बैंकिंग हो रहा है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन आपका यही है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ग्रामीण बैंक का जो आपका ओनरशिप है उसमें 50% सरकार का है, 50% सरकार का है, 50%, 15 स्टेट गवर्नमेंट का है, और 35 स्पॉन्सर बैंक है। स्पॉन्सर बैंक बोलिए या फाउंडर्स बोलिए, आपका एक ही है। इस परसेंटेज को याद रखिएगा, 50, 15, 35 टोटल मिला के जो हो गया है आपका यहाँ पर कितना हो गया, 100 हो गया। हमेशा सेंट्रल का तो 50% याद रहता है लोगों को, स्टेट और स्पॉन्सर में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना, स्पॉन्सर जो है वो आपका 35 और स्टेट जो है वो आपका 15 है। नॉर्मल लगता है कि स्टेट का ज्यादा होगा, बट स्टेट का कम है, स्पॉन्सर बैंक का आपका ज्यादा है। तो 50, 15 और 35। अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट बैंक के ऊपर। ये तो हो गया हमारा कमर्शियल बैंक हो गया, एक हमारा रूरल बैंक हो गया। अब ये डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, देखिएगा, डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होता है जो स्पेसिफिक पर्पज से आपका ओपन किया गया है। क्या? डेवलपमेंट बैंक आपका वो बैंक होता है जो कि आपका स्पेसिफिक पर्पज से ओपन किया गया, जैसे कि आपका हाउसिंग बैंक, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन फोकस क्या है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है। नाबार्ड, नाबार्ड का मेन फोकस क्या है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका मेन फंक्शन क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सपोर्ट करना है। NHB, हाउसिंग आपका, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक, इसका मेन फंक्शन क्या है कि हाउसिंग एरिया को डेवलप करना है। यानी कि अलग अलग जो स्पेसिफिक पर्पज है, जो SBI हो गया, कैनरा बैंक हो गया, या RRB बैंक हो गया, ये सारे बैंक क्या करते हैं कि आप सब लोग एक समान हो, कोई भी आएगा सबको पैसा देगा। लेकिन ये जो बैंक है ना, ये स्पेसिफिकली किसी इंडस्ट्री को, किसी स्पेशल एरिया को इनकरेज करने के लिए ये सारे बैंक आपके खोले गए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। 50, ठीक है, हाँ बिल्कुल। एग्रीकल्चर जो आपके रूरल एरिया में जो लोग होते हैं वो काफी क्लेवर होते हैं, काफी तेज होते हैं। ऐसा नहीं कि उनका दिमाग कम होता है, नहीं, बस वो क्या है कि उनका एक अपना माइंडसेट है कि हाँ भाई यहाँ रहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कम दिमाग है। देखो, पढ़ा लिखा होना और दिमाग होना जरूरी नहीं है कि जिसके पास दिमाग है वो पढ़ा लिखा होगा, या जो पढ़ा लिखा है उसके पास दिमाग होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिएगा, बिजनेसमैन लोग जो होते हैं, अधिकतर जो लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, इनका दुकान है, जो आपके दुकान खोलकर बैठे हैं, वो उतने पढ़े लिखे, मैं काफी लोगों को जानती हूँ जो कि पढ़े लिखे नहीं है और आज के डेट में महीने का लाखों रुपया कमाते हैं। तो पढ़ा लिखा होना, दिमाग होना, बहुत है डिफरेंट। और बिल्कुल आपके जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, भले वो पढ़े लिखे नहीं होते, बट बाई माइंड वो काफी तेज होते हैं, काफी शार्प होते हैं। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं डेवलपमेंट बैंक का क्या क्या फंक्शन होता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट बैंक का फंक्शन क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना, हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना, रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया को एनहांस करना, उसके बाद जो सिक इंडस्ट्रीज यूनिट है उसको रिव्यू करना, उसका हेल्प करना, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको इनकरेज करना, जो आपका बैकवर्ड रीजन है उसको भी क्या करना, उसको प्रमोट करना, और साथ में कैपिटल मार्केट के ग्रोथ को क्या करना, असिस्ट करना। ये सारे हमारे डेवलपमेंट बैंक के आपके फंक्शन हैं। अब हम लोग आते हैं नाबार्ड के ऊपर। अगर डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग बात करें तो नाबार्ड सबसे टॉप पर होता है। नाबार्ड जो होता है उसको बोला जाता है एपेक्स डेवलपमेंट बैंक। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि बैंकों में सबसे अपेक्स पोजिशन पर कौन है, RBI है, तो वैसे डेवलपमेंट बैंक में सबसे अपेक्स पॉइंट पर कौन है, आपका नाबार्ड है। नाबार्ड बोलो तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये स्टैब्लिश कब हुआ है, तो 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ है। एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर इसका आंसर दीजिए, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कोई मेरे को बता सकता है, एस्टैब्लिशमेंट डेट और एस्टैब्लिशमेंट ईयर कोई मेरे को बता सकता है एक्सिम बैंक का, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल चलिएगा,
1982, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोग सही बोल रहे हैं। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था, नाबार्ड एक्सिम बैंक यूटीआई को बोला था कि ईयर वाइज मैच करने के लिए, और वहां पर 19 है ना, वहां पर आपका 1982 लिखा गया था, और 1982 में आपका नाबार्ड भी स्टैब्लिश हुआ था और एक्सिम बैंक भी स्टैब्लिश हुआ था, तो पहले कौन हुआ था मेरे को वो बता दीजिए। वेरी गुड काजल, यस डेट अलग है, तो खाली ईयर याद करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको यही याद दिलाना चाह रही थी कि नाबार्ड जो स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था, और आपका जो एक्सिम बैंक है वो 1 जनवरी 1982 को स्टैब्लिश हुआ था, और जो इनिशियल कैपिटल था वो कितना था आपका 100 करोड़ जो था आपका वो क्या था इनिशियल कैपिटल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाबार्ड जो है आपका प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इनहांस इट्स कैपिटल सब्जेक्ट टू द मिनिमम होल्डिंग ऑफ 51% रीफाइनेंस फॉर माइनर इरिगेशन प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर लैंड डेवलपमेंट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। ये सारी चीजों के लिए क्या करता है नाबार्ड, आपको क्या करता है कि कैपिटल आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्राइवेट सेक्टर बैंक आपका क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब क्या हो गया कि आपके 1969 में अगर देखा जाए तो 14 लार्जर बैंक जो थे उसको रेकग्नाइज किया गया था, उसके बाद कोई भी बैंक को अलाउ नहीं किया गया था प्राइवेट सेक्टर में सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें कौन कौन आ गया आपका HDFC आ गया। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं वो बैंक होते हैं जिनका जो शेयर होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, वहां पर ओनर कोई एक होता है और पूरा कंट्रोल आपका उसके थ्रू होता है, जैसे कि आपका HDFC बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, दिस ऑल आर द काइंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है ना। HDFC भी आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके बाद आपका जो है यस बैंक भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके बाद ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो ये सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर कुछ कुछ मेन मेन आपके बैंक है, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, JNK बैंक, कर्नाटका बैंक, यस बैंक, DSB, RBL, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है आपके इंडसलैंड बैंक, ये सारे हमारे कौन से बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फॉरेन बैंक कौन सा होता है, तो फॉरेन बैंक वो बैंक होता है जिसका हेड ऑफिस फॉरेन कंट्री में है और ब्रांच ऑफिस मेरे कंट्री में है, इसको हम लोग क्या करते हैं फॉरेन बैंक कहते हैं। फॉरेन बैंक का एग्जाम्पल दीजिए ना मेरे को, फॉरेन बैंक का मेरे को एग्जाम्पल दीजिए ना फटाफट से। हाँ जी फॉरेन बैंक का एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल HSBC हमारा फॉरेन बैंक है, HSBC बैंक जो है आपका हांगकांग बैंक एंड हांगकांग संघई बैंक ऑफ चाइना, ठीक है। इसमें मेरी फ्रेंड जॉब करती है यहीं पर ही कोलकाता में, तो HSBC बैंक जो है आपका फॉरेन बैंक है, उसका मेन जो ऑफिस है वो आपका संघई में हेड ऑफिस है और इंडिया में भी उसका ब्रांच ऑफिस है। तो फॉरेन बैंक वो बैंक होता है जो कि आपका हेडक्वार्टर आपका जो है उसका हेड ऑफिस जो है फॉरेन कंट्रीज में है और ब्रांच ऑफिस अदर कंट्रीज में है, और ये भी आपका जो है RBI के अंडर में आता है, RBI इसको भी क्या करता है कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपके पूरे फॉरेन बैंक के लिस्ट हो गए, ठीक है। फोर्टिस बैंक, RBS बैंक, स्टैंडर्ड बैंक, अमेरिकन बैंक, ठीक है, HSBC बैंक, ये सारे हमारे क्या हो गए फॉरेन बैंक हो गए। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन सा होता है, ये तो सारा हम लोगों ने शेड्यूल्ड बैंक पढ़ लिया, अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन सा होता है, तो बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। यहां पर बताया गया है कि शेड्यूल्ड बैंक कौन आपका नहीं है, तो जो बैंक आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 क्लॉज के अंदर आ रहे हैं वो हमारे शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, एंड बैंक विथ रिजर्व कैपिटल ऑफ लेस देन 5 लाख क्वालिटी एज नॉन शेड्यूल्ड बैंक, एंड दिस बैंक आर नॉट गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू द RBI एक्ट एंड दे रिसीव नो बेनिफिट फ्रॉम द RBI, दिस बैंक कैन अवेल रेमिटेंस फैसिलिटी फ्रॉम द RBI, यानी को क्या है कि कोई आपका इसको RBI से कोई इसको लाभ जो है वो आपका नहीं मिलता है, हाँ प्रेषण सुविधा जो है इसको जरूर मिल जाएगा आपका। कोऑपरेटिव बैंक हमारा आ गया, कोऑपरेटिव बैंक जो होता है ये आपका शेड्यूल्ड बैंक है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ना एक बार कि कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो शेड्यूल्ड बैंक होता है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक होता है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ बिल्कुल, हाँ
तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक कौन होता है, जो लोकल लेवल पर आपके बैंक ओपन किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते बोलते हैं इसको। ये तीन लेवल पर होता है आपका, एक होता है प्राइमरी लेवल, उसके बाद होता है सेंट्रल लेवल, और उसके बाद हमारा क्या होता है आपका स्टेट लेवल। ये तीन लेवल पर बैंक हमारे काम किए जाते हैं। बिल्कुल कोऑपरेटिव बैंक भी जो होता है वो हमारा क्या होता है, शेड्यूल्ड बैंक होता है। उसमें एक आपका क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक भी जो होता है वो लोकल एरिया में होता है, ठीक है, लोकल लेवल पर होता है आपका। इसमें क्या हो गया आपका, एक होता है आपका सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है वो आपका बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो आपका अपेक्स बैंक होता है। देखो सेंट्रल बैंक सुनने से आपको ये लगता है कि सेंट्रल बैंक सबसे टॉप पर होगा कोऑपरेटिव बैंकिंग में, लेकिन सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ पर बीच में आ रहा है, और ये स्टेट बैंक और प्राइमरी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के बीच में होता है। अगर आपको कोऑपरेटिव बैंक में सबसे टॉप पर है पूछेगा कौन है, तो वो कौन सा बैंक होता है आपका, स्टेट बैंक कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना, क्लियर क्लियर। हाँ बिल्कुल। तो इसका जो चार्ट बनता है ना, इसका चार्ट देखिएगा ऐसे बनता है, सबसे पहले यहां पर आपका प्राइमरी आता है, प्राइमरी के बाद सेंट्रल आता है, और सेंट्रल के बाद स्टेट पे आता है। प्राइमरी जो हो गया विलेज लेवल पे हो गया, सेंट्रल जो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया, और स्टेट जो हो गया ये आपके स्टेट लेवल पर हो गया। तो अगर पूछेगा सबसे हेड पर कौन सा होता है, तो स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वो सबसे हेड पर होता है, और सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक नहीं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वो स्टेट बैंक और प्राइमरी बैंक के बीच में होता है, यानी कि आपका स्टेट और विलेज लेवल के बीच में होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, क्लियर। हाँ, स्टेट जो होता है वो आपका टॉप लेवल पर होता है। चलिएगा अब टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं। ब्रांच बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, चेन बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग, मिक्स्ड बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, ये सब आपके अलग अलग टाइप के बैंकिंग है। इसके बारे में एक नजर हम लोग फटाफट से डालते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपका यूनिट बैंकिंग क्या होता है, यूनिट बैंकिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर इट इज अ बैंक सिस्टम वेयर द ऑपरेशन ऑफ अ बैंक आर कन्फाइंड टू अ सिंगल ऑफिस। देखो कीवर्ड क्या है, सिंगल ऑफिस, यानी वो बैंक जो कि आपका किसी पर्टिकुलर सिंगल ऑफिस से, पर्टिकुलर एरिया से पूरी तरह से वो क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, उसका जो मेन ऑफिस है वो एक ही है, वहीं से ऑपरेट हो रहा है, जनरली उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट बैंक कहते हैं। और ये बैंक जो होता है आपका स्मॉल टाउन में या स्मॉल सिटीज में आपका क्या करता है कि फंक्शन करता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रांच बैंकिंग क्या होता है, ब्रांच बैंकिंग वो बैंकिंग होता है जिसका मल्टीपल ऑफिस होता है, जिसका जो ब्रांच है आपका बहुत जगह पर, वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि आपका बहु कार्यालय बैंकिंग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच बैंकिंग, जिसका भौगोलिक क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वहां पे जहां पे पैसा एक्सेप्ट करना, पैसा देना जो होता है, ये बैंकिंग सर्विस आपका कैरेट किया जाता है, लेकिन मल्टीपल इसके ऑफिस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोकल एरिया बैंक क्या होता है, लोकल एरिया बैंक आपका वो बैंक होता है जहां पर रूरल सेविंग्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रूरल एरिया में क्या करते हैं, उसको भी हम लोग प्रमोट करते हैं, जो लोकल लेवल पर रहता है, और वहां पर आपका रूरल और सेमी अर्बन एरिया लोकल बैंक एरिया के अंतर्गत आपका आ जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बैंकिंग क्या होता है, वो बैंकिंग जहां पे दो और दो से अधिक बैंक जो होते हैं एक होल्डिंग कंपनी के द्वारा क्या करते हैं कि कंट्रोल किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप बैंकिंग। ये क्या होता है, चेन बैंक, जैसे कि आप देखिएगा जैसे होटल जो होते हैं ना वो आपके चेन होटल के, किसी का जैसे कि हॉस्पिटल के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जैसे कि आपका नारायणा, तो नारायणा का जो हॉस्पिटल है आपका बहुत जगह पर है, हर स्टेट में नारायणा का आपका हॉस्पिटल है। अपोलो का ले लीजिए, अपोलो का भी चेन हॉस्पिटल चलता है। तो बैंकिंग का भी वैसे ही क्या चलता है आपका, कि ये भी आपका चेन सिस्टम चलता है। ये क्या होता है, यहाँ पर ये दो और दो से अधिक बैंक को क्या करता है, आपस में कंट्रोल करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समूह बैंक कहते हैं, ठीक है ठीक है। चलिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग वो बैंक होता है ना जिसका एक्सेस जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, वहां पर बैंकिंग के सारे फंक्शंस नहीं किए जाते हैं। देखो इट हैज लिमिटेड एक्सेस टू सर्टेन फाइनेंशियल मार्केट, दिस यूज टू सर्विस फॉर अनदर बैंक टू कंडक्ट सर्टेन ट्रांजेक्शन, यानी कि आपका क्या होता है कि बैंक के जितने भी सर्विस होते हैं ना, तो कुछ सर्विस क्या करता है कि वो अपने यहाँ करता है, और कुछ सर्विस के लिए क्या करता है कि वो दूसरे बैंक में आपका ट्रांसफर कर देता है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक्स, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुछ काम खुद किया और कुछ काम वो दूसरे बैंक से करवा लिया, जो दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री, दूसरे सिटी में, वैसे करके उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक। डिपॉजिट बैंक क्या होता है,
तो डिपॉजिट बैंक आपका वो बैंक होता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने का काम करता है, पैसा देने का काम नहीं करता है। और याद रखिएगा कि ये 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि आप पैसा जगह डिपॉजिट कर सकते हैं, वो आपके डिपॉजिट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और कितने समय के लिए, तो शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी लेस देन आपका 1 ईयर के लिए, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो होता है, जहां पर हम लोग लॉन्ग टर्म फंड्स को क्या करते हैं, किसी बिजनेस में या किसी इंडस्ट्री में डालते हैं, और ये हमारा यहाँ पर जो हमारा वर्क होता है, एज अ फाइनेंसरीज भी होता है और अंडरराइटर भी होता है, दोनों की तरह हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग कहीं पर, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड टाइप का हो गया, या कोई ऐसा बैंक है जहां पे हमने लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा डाल दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहां से हम लोग इंटरेस्ट कमाने के उद्देश्य से, क्या लंबा समय में हमको इतना पैसा वहां से निकल जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्ट बैंकिंग कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिएगा ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है, मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है? हाँ जी, इसका मेरे को बताइए फटाफट से, ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है? तो ऑफशोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा गया, ऑफ अ बैंक इज अ डीम्ड फॉरेन ब्रांच ऑफ द पैरेंट कंपनी सिचुएटेड विद इन द इंडिया। क्या हो रहा है कि जो एक्चुअली में जो बैंक है, पैरेंट बैंक का मतलब क्या होता है, हेड बैंक, वो बैंक जो है आपका वो कहां पर है, इंडिया में है, लेकिन उसका ब्रांच फॉरेन में है, ठीक है। ब्रांच बैंक जो है आपका वो इंडिया में है और ब्रांच उसका फॉरेन में है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफशोर बैंकिंग। इट इज द बैंक लोकेटेड आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेसिडेंट ऑफ द डिपॉजिटर, टिपिकली इन अ लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड लीगल एडवांटेज। समझ में आ गया? तो ये बैंक आपका कहाँ है, आउटसाइड द इंडिया होता है, लेकिन हाँ मेन जो होता है, पैरेंट बैंक जो होता है, वो विद इन द इंडिया होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफशोर बैंकिंग कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? यूनिवर्सल बैंक का मतलब क्या होता है, वो बैंक जो कि आपका फाइनेंशियल सर्विस में जो भी चीजें आती हैं, वो सारा बैंक वो सारा काम करता है, जैसे कि आपका वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट हो गया, एडवाइजरी सर्विस हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इश्यू अंडरराइटिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ट्रेजरी कंसल्टेंसीज हो गया, यानी एक बैंक का जो भी फंक्शन होता है, यूनिवर्सल बैंक वो बैंक होता है जो आपका फाइनेंशियल सर्विस का, बैंकिंग का हर एक फंक्शन को कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड आपका यूनिवर्सल बैंकिंग। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपके मैच द फॉलोइंग में आते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं आता, बस इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको 4-5 दे दिया, मर्चेंट बैंक, ऑफशोर बैंक, यूनिवर्सल बैंक, कौन सा किसका है, इसको मैच कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो बस इसके मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? मर्चेंट बैंकिंग का मतलब वो बैंकिंग होता है जो स्पेशली, देखो मर्चेंट का मतलब ही क्या होता है, व्यापारी, तो वो बैंक जो स्पेशली आपका जो बिजनेस जो होते हैं ना, जैसे कि जो इंटरप्रेन्योरशिप, जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन जो होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके बिहाफ में काम करता है, उनके बिहाफ में, आप ऐसे कीजिए तो ऐसा फायदा होगा, वैसे कीजिए, उनके बिहाफ में ट्रांजेक्शंस करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इट मीन्स दोज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड देयर सर्विस टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। किसके लिए दे रहा है? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए क्या कर रहा है, वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। स्पेशली ये मर्चेंट्स को अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि कहां पर पैसा डालना है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे तो आपको फायदा होगा, कहां पर आपको नुकसान होगा, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में क्या करता है, वो व्यापारियों को गाइड करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं मर्चेंट बैंकिंग। पैसे का लेन देन वाला सिस्टम नहीं है, आपका कंसल्टेंसी टाइप का होता है, एडवाइजरी कंसल्टेंसी के टाइप का होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग क्या होता है? जहां पर आपका जो होता है ट्रस्ट के बेस पर, म्यूचुअल ट्रस्ट के बेस पर, जहां पर बैंकर होता है और कस्टमर होता है, और वहां पर जो अकाउंट ओपन होता है या जो भी चीजें होती है, वो आपका रिलेशन के बेस पर होता है, ट्रस्ट के बेस पर होता है, ग्राहक और बैंक के बीच में संबंध वहां पर देखा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बैंकिंग कहते हैं। इंडिजीनियस बैंकिंग क्या होता है, फटाफट से मेरे को बताइए। हाँ जी, इंडिजीनियस बैंकिंग क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को फटाफट से। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, इंडिजीनियस बैंकिंग। ठीक है, हाँ जी,
फटाफट से बताइए। एसबीआई की ब्रांच फॉरेन में है शायद। हाँ जी, इंडिजीनियस बैंकिंग क्या होता है? इंडिजीनियस बैंकिंग क्या होता है फटाफट से बताइए मेरे को। इंडिजीनियस बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं स्वदेशी बैंकिंग, जैसे कि हुंडीज है ना, हुंडी में जो डील करते हैं, किसमें करते हैं, हुंडीज में जो डील करते हैं, जहां पर आपका जो पैसे का लेन देन होता है वो कोई प्राइवेट फर्म करती है ना, कोई प्राइवेट फर्म करती है या कोई इंडिविजुअल बैंकिंग करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो पैसे का लेना डिपॉजिट भी लेती है और आपको लोन भी देती है, लेकिन वो एक्चुअली डीलिंग किसमें करती है, हुंडीज में करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिजीनियस बैंकिंग। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल बैंकिंग जो होती है यहाँ पर क्या होती है, आपके टाइप होती है। डेवलपमेंट बैंकिंग क्या होती है, जो कि आपके स्पेसिफिक किसी एरिया को, किसी इंडस्ट्री को, किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के उद्देश्य से या टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के उद्देश्य से जो बैंक आपका स्टार्ट की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक में आपका नाबार्ड भी आ जाएगा, आईडीबीआई भी आ जाएगा, आईएफसीआई भी आ जाएगा, यूटीआई भी आ जाएगा, एचडीएफसी भी आ जाएगा, आईसीआईसीआई भी आ जाएगा, एक्सिम बैंक भी आ जाएगा। दिस ऑल आर द टाइप ऑफ डेवलपमेंट बैंक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं आरबीआई के ऊपर। आरबीआई बैंक क्या होता है? आरबीआई जो बैंक है ये आपका सेंट्रल बैंक है, ये फादर है सारे बैंकों का, बोले सारे बैंकों का ये पप्पा है, इसको हम लोग एपेक्स बैंक बोलते हैं। आरबीआई जो बैंक आपका स्टार्ट हुआ था वो आरबीआई एक्ट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आरबीआई एक्ट जो है वो हमारा 1934 है, और आरबीआई बैंक अपना एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब किया था, तो 1 अप्रैल 1935 को किया था, और उसके बाद आपका 1949 में आरबीआई बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग में उसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां पर था, कोलकाता में था, बाद में 1937 में ही उसको मुंबई में उसका हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया था। जब स्टार्ट हुआ था तो आरबीआई बैंक भी एज आपका प्राइवेट बैंक की तरह काम करता था, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया कि 1949 में इसको जो है नेशनलाइज कर दिया गया था। अब आरबीआई बैंक क्यों आया, आरबीआई बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या था आने का, तो सारे बैंक अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए। हमारे घर पर जो हम लोग बच्चे लोग बदमाशी करते हैं तो पप्पा डांटते हैं ना, तो बस वही यहाँ पर इतने सारे बैंक थे, तो उनको बैंक को सारे को कंट्रोल करने के लिए, एक करेक्ट रूप में फ्रेम करने के लिए कोई पप्पा तो एक चाहिए था, तो वहां पर आपका आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन उनको प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, प्राइस के स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, उसके बाद जो आपका रुपीस का वैल्यू है उसको प्रिजर्व करके रखना, और साथ में इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी जो है उसको क्या करना, मेंटेन करना। ये 5 उद्देश्य से आरबीआई बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, और इसको हम लोग सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, और इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक है, दैट इज कॉल्ड आपका आरबीआई। अगर आरबीआई के फंक्शन के बारे में बात करें तो आरबीआई का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ना। आरबीआई का फंक्शन तो आप सभी को पता है कि वो करेंसी इशू करता है, वो बैंकर्स बैंक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है, वो बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है? आरबीआई के फंक्शन को भी प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में बांट दिया गया है। तो आरबीआई का सबसे प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या करना, करेंसी प्रिंट करना। जो भी नोट आज आप गांधी जी देखते हो वो सारे नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपीज का नोट नहीं छापता है और कॉइन नहीं छापता है। तो ये कॉइन और 1 रुपीज का नोट कौन छापता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है। तो आरबीआई जो होता है सबसे पहला फंक्शन उसका करेंसी प्रिंट करना, उसके बाद फॉरेन रिजर्व, जो फॉरेन रिजर्व जितने भी फॉरेन करेंसी है इंडिया में वो सारा कुछ रिजर्व जो है किसके पास है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपका आरबीआई है। तो ये आरबीआई के क्या हो गए, आपके मेन फंक्शन हो गए, प्राइमरी फंक्शन हो गए, ठीक है। और क्रेडिट मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करना, दीज आर द 3 प्राइमरी फंक्शन। इसके अलावा जो सभी फंक्शन होते हैं वो आपके सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। तो जो आपका आरबीआई है उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक को जो पैसा देना होता है, कहीं से भी पैसा कमर्शियल बैंक को नहीं मिला तो वो कहां से मिल जाएगा, उसको आरबीआई से मिल जाएगा। तो आरबीआई को क्या बोलते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं। आरबीआई जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंकर होता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से लेता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर भी होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज मोदी जी ने बोला कि 2000 के नोट का प्रचलन बंद हो गया, आज से 2000 के नोट रात 12 बजे के बाद बैन होते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेप लेने से पहले मोदी जी ने जरूर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनके साथ वार्तालाप किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे
कि आरबीआई का गवर्नर अभी कौन है। यस, आरबीआई का गवर्नर कौन है मेरे को कमेंट बॉक्स में यहां पर बता दीजिए। तो ये क्या होता है, एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट भी जो होती है इनसे एडवाइस लेते रहती है। साथ में मार्केट में जो आपका कभी इन्फ्लेशन आ रहा है, कभी डिफ्लेशन आ रहा है, कभी मार्केट में प्राइस ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, उसको भी कंट्रोल करना किसका काम है, आपका आरबीआई का। आरबीआई का एक आपका जो होता है प्रमोशनल फंक्शन भी होता है। तो आरबीआई के प्रमोशनल फंक्शन में क्या आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। शक्तिकांत दास बिल्कुल, आरबीआई के प्रमोशनल फंक्शन में क्या आता है मुझे बताएंगे जरा। यस, आरबीआई के, हाँ, आरबीआई के प्रमोशनल फंक्शन में क्या आता है, किसी भी बैंक का डेटा को कलेक्ट करना या कोई भी जो फाइनेंशियल जो भी चीजें हो रही है उसका डेटा को कलेक्ट करना और उसके डेटा को पब्लिश करना, ये किसका काम होता है, ये भी आपका आरबीआई का काम होता है। आप ये देख रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर इतना बैंक में एनपीए हो गया, ये बैंक मर्ज कर गया, वो बैंक के साथ मर्ज कर गया, इस बैंक का जो लाइसेंस है खत्म कर दिया गया, तो ये सारा रिलेशन भी, सारा जो काम होता है, ये फंक्शन भी सारा आरबीआई का ही फंक्शन होता है, ठीक है। बैंक टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलिएगा, तो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इट इज ऑल क्लियर। हमारा एक घंटा हो चुका है, एक घंटे में मैंने आपसे एक बार भी नहीं पूछा फ्लो में कि सारा टॉपिक क्लियर है। यस, सारा टॉपिक क्लियर है। तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा क्रेडिट कंट्रोल टूल भी पढ़ लेते हैं फटाफट से एक बार। तो आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल जो होते हैं दो तरीके से, अब देखो मार्केट में क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट में जो मनी होता है, मनी बोले तो अपना सपना मनी मनी, कभी कभी मार्केट में मनी का सप्लाई ज्यादा हो जाता है। मनी का सप्लाई ज्यादा होने के मतलब क्या होता है कि सबके पास पैसा ही पैसा हो गया। तो अगर सबके पास पैसा ही हो जाएगा तो चीजों का दाम नहीं बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात सोचो। लोग बोलते हैं कि भगवान ने मेरे को गरीब क्यों बनाया, भगवान ने मेरे को पैसे क्यों नहीं दिए। आप एक चीज देखो, आपने देखा है कौन सा मूवी था, ओ माई गॉड, कि एक दिन के लिए उसको गॉड बना देता है, बोलता है कि तुमको जो करना है करो, तो वो अपने हिसाब से सबकी इच्छा को पूरा करता, तो मार्केट में कितना कैसा अनबैलेंस हो जाता है सारा कुछ। तो बिल्कुल वो सही दिखाया गया है मूवी में, क्योंकि आप एक काम सोचो कि अगर सबके पास पैसा आ जाएगा, सभी कोई कार चलाएगा, तो कार को पोछेगा कौन, कार को तो पोछने वाला भी आदमी चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि मार्केट में मनी का सप्लाई को बैलेंस में रखना पड़ता है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, सब कोई रईस हो गए, सबके पास पैसा आ गया तो लो 10 रुपए का एक गोलगप्पा मिलेगा कुछ दिन के बाद। अभी तो 10 रुपए का मैं 3 गोलगप्पा खा रही हूँ, अब कुछ दिन के बाद वो भी एक मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग के जब बच्चे होंगे, जब वो कमाना शुरू करेंगे, तो मेरे को लगता है 10 रुपए का एक ही गोलगप्पा मिलेगा हमको मार्केट में। तो ये वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। तो मनी का सप्लाई को क्या करता है आरबीआई, कंट्रोल करता है। तो उसके लिए वो दो टेक्निक को यूज करता है, एक क्वांटिटेटिव टेक्निक, एक क्वालिटेटिव टेक्निक। एक तो वो परसेंटेज रेशियो रिजर्व के माध्यम से क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, और दूसरा वो मतलब ये देता है, मतलब आपका वर्ड्स देता है कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, मतलब कुछ रूल रेगुलेशन पॉलिसी बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव मेथड। तो वन बाई वन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है कौन सा मेथड, आपका क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। मैम तीन कैटेगरी याद करना पड़ेगा, बिल्कुल तीन कैटेगरी को याद कर लेना। आजकल एग्जामिनर भी चेंज हो गया, तेज हो गया, एग्जामिनर भी तेज हो गया है, वो आजकल रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट नहीं बोलता है, वो सीधा बोलता है पॉलिसी रेट कम करेंगे तो क्या होगा, पॉलिसी रेट ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। तो आपका पॉलिसी रेट क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो अगर रिजर्व पूछेगा तो CRR और SLR, ठीक है, और अगर आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन पूछेगा तो सिक्योरिटीज का सेल करना और सिक्योरिटीज का परचेस करना, और अगर पॉलिसी रेट पूछेगा आपसे तो उसके अंदर में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आपका MSF होता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव मेजर में क्या होगा, तो क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन, दीज ऑल आर द क्वालिटेटिव फंक्शन, ठीक है। आपके वहां पर 5 देते हैं, आपके वहां पर 6 देते हैं, सभी के मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, मेरे यहां पर तो 3 ही दे रहे हैं भाई। मैंने बोला कि 4 दे दो तो बोलता है कि नहीं 3 ही देंगे। पहले 10 रुपए के खाते थे, अब तो 20 का खाना पड़ता है। वैसे बहुत दिन हो गया मैंने खाया नहीं है। चलिए
मुझे याद है कि एक बार हम लोग गए थे जब गोलगप्पा ना 10 का 8 हुआ था या 10 का 6 मिल रहा था, तो एक बार कहीं पर गए थे गांव में, मतलब गांव टाइप का कोई जगह था, मतलब हमारे घर से लगभग 3 से 4 घंटा दूर था। हम लोग पूरी फैमिली कार पर लोड होकर गए थे मंदिर पूजा करने के लिए। तो पूजा करके जब आ रहे थे, पूजा करने के पहले तो खाना नहीं, अलग ही सिस्टम में खाइए, खाने से पूजा करने से पहले खाना नहीं है, ठीक है। तो भूखे थे, तो जैसे पूजा करके निकले तो जा रहे थे हम लोग रास्ते में, तो गोलगप्पे का ठेला दिखा, तो सबको गोलगप्पा खाने का मन किया, चाची वाची मम्मी उम्मी बच्चे लोग सब लोग थे हम लोग। तो गोलगप्पे वाले से पूछे कि भैया गोलगप्पा कैसे, तो बोला कि 10 का 10। अब हम लोग शॉक्ड कि भैया 10 का 6 मिलता है हमारे यहाँ, इसके यहाँ 10 का 10। लो सब खाना शुरू, और जो गोलगप्पा मतलब लोग खाना शुरू किए ना, मतलब ऐसे खा रहे हैं गोलगप्पा जैसे कि जिंदगी में दोबारा गोलगप्पा मिलेंगे नहीं। सस्ता मिल रहा था भाई, 10 का 6 मिलता है, 10 का 10 मिल रहा था। और ऐसा खाए कि 2-3 लोग का तो दूसरे दिन पेट खराब हो गया, ठीक है। तो मुझे वही लग रहा है कि आपके यहाँ 5 मिल रहा है, मुझे जाके आपके यहाँ पे खाना पड़ेगा, चलिएगा चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके क्या होगा, रेट कंट्रोल हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट क्या होता है सुनिएगा, कि कमर्शियल बैंक को चाहिए पैसा, कमर्शियल बैंक को चाहिए पैसा, कमर्शियल बैंक को चाहिए लोन। कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा, मेरे पास आएगा कि प्रियंका जी पैसा दीजिए, मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ, कहाँ से उसको पैसा दूंगी। तो कमर्शियल बैंक बोलेगा अरे भैया पैसा चाहिए, कहाँ जाए, तो वो जाएगा आरबीआई के पास, बोलेगा आरबीआई चच्चा मेरे को पैसा दे दीजिए। तो आरबीआई बोलेगा बाबू इतने सुंदर तो हो नहीं कि तुम्हारा मुंह देख के तुमको दे दे पैसा, चलो हम तुमको पैसा देंगे, तुम मेरे को क्या दोगे। तो आरबीआई बोलता है ठीक है, आप मेरे को दीजिए 10 लाख 10 करोड़ रुपए आप मेरे को दीजिए, और हम आपको उसके बदले इंटरेस्ट देंगे। तो कमर्शियल बैंक जब लोन लेता है आरबीआई से, और जिस रेट पर इंटरेस्ट देता है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। ठीक उसी तरह से जब हमको पैसे का जरूरत पड़ता है और हम जाते हैं एसबीआई बैंक में और वहां से लोन मांगते हैं, और एसबीआई बैंक हमसे 10 से 12% इंटरेस्ट लेता है तब हमें लोन देता है, सेम वही आपका रेपो रेट होता है। बस यहाँ पर जो काम होता है ना वो किसके बीच में होता है, कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में। तो कमर्शियल बैंक जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेता है उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। दूसरा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक जिस रेट पर पैसा देता है ना आरबीआई को वो रिवर्स रेपो रेट होता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, किसकी इतनी औकात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा दे दे। नहीं, जब आपका जब मेरे पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो वो पैसा आप कहाँ रखते हो, वो पैसा जाकर आप बैंक में रखते हो ही रखते हो। जब आपके पास पैसा ज्यादा हो जाता है, पैसा जो सेव करते हो कहाँ रखते हो, बैंक में रखते हो। तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, 3% देता है, 4% देता है, 5% देता है। तो वैसे ही आपका जो कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक के पास भी पैसा आ गया, कमर्शियल बैंक के पास भी पैसा आ गया। तो वो बोला कि भैया आरबीआई भाई साहब आप मेरा पैसा अपने पास डिपॉजिट रख लो। तो आरबीआई बोलता है ठीक है रख लेते हैं, और उसके बदले आरबीआई जो उसको इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ एमएफएस क्या, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ क्या है जरा बता दीजिएगा मेरे को। अब देखो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका आरबीआई, वो बोलता है कि देखिए बैंक के पास जो पैसा होता है बैंक उस पैसे को क्या करता है। बैंक के पास हम लोग जो पैसा बैंक में रखते हैं, क्या बैंक उस पैसे को लेकर रखे रहता है क्या, नहीं जी, उस पैसे को मार्केट में लेकर जाता है, मार्केट में रोटेट करता है ना, एक का दो मार्केट में जाता ही, जो आपके बिजनेसमैन लोग उनको देता है पैसा। तो मान लीजिए कि मैंने बैंक में अपना पैसा रखा है आज की डेट में 10 लाख रुपया, सपोज दैट कि मैंने बैंक में 10 लाख रुपया रखा है, तो बैंक क्या किया उसको मार्केट में डाल दिया। अब अचानक से मेरे को जरूरत पड़ गया पैसे का और मैं कल ही बैंक गई और मैं बोलूंगी कि मेरे को 8 लाख रुपए दीजिए, मैं थोड़ी बैंक से लोन ले रही हूँ, मेरा जो रखा वो पैसा मैं वही मांग रही हूँ उससे, तो वो बोलेगा अरे कहाँ से दे पैसा, पैसा तो मार्केट में डाल दिए हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि कुछ पैसा आपको अपने पास रखना है, कुछ पैसा आपको मेरे पास रखना है, और किसका रखना है, किसका रखना है, तो ये रखना है आपको एनडीटीएल का। एनडीटीएल का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। यस हाँ जी, एनडीटीएल का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं पता है तो लिख दीजिए मैम नो आइडिया।
जल्दी से फटाफट से एनडीटीएल, क्योंकि एनडीटीएल का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि एनडीटीएल का कुछ परसेंट आपको अपने पास रखना है और एनडीटीएल का कुछ परसेंट आपको मेरे पास रखना है। जो आपको मेरे पास रखना है वो कैश के फॉर्म में रखना है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और उसका कुछ पैसा जो है आपको अपने पास रखना है और वो आप कैश, गोल्ड या बॉन्ड के फॉर्म में रख सकते हैं और उसको हम लोग कहते हैं SLR। ठीक है, एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। हाँ जी, नहीं अरे रूना, नेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ चले गए? हाँ नहीं 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 नहीं, एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आपको सेविंग से आ रहा है, जो पैसा आपको करंट अकाउंट से आ रहा है, जो पैसा आपको FD से आ रहा है, जो पैसा आपको RD से आ रहा है। बैंक में यही चार जगह होते हैं जहां से पैसा बैंक में आता है, तो ये चारों का पैसा आप जोड़िए और NDTL का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 4% जो कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 4% जो है, ये चेंज होते रहता है या अप डाउन होते रहता है, 4% जो है आप क्या कीजिए कि आप अब मेरे पास रख दीजिए, यानी किसके पास रख लीजिए, RBI के पास, और सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में रखिएगा। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना है, सेंट्रल बैंक के पास रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, कहते हैं इसको हम लोग CRR। और याद रखिएगा कि जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो RBI इस रेट को इंक्रीज कर देती है और जब डिफ्लेशन का टाइम होता है तो RBI इस रेट को डिक्रीज कर देती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, SLR क्या होता है? SLR जो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ये कैश के फॉर्म में भी होगा, गोल्ड भी होगा और सिक्योरिटीज भी होगा। ये RBI बोलती है, किसको बोलती है, कमर्शियल बैंक को बोलती है। क्या बोलती है कि भैया तुम अपने पास कुछ पैसा रख लो, लिक्विड के फॉर्म में रखो, जब पैसा का जरूरत पड़े तो वहां से उसको दे देना। सब पैसा दे दोगे मार्केट में तो कस्टमर को कहां से दोगे पैसा, दैट इज कॉल्ड आपका SLR। तो SLR जो होता है क्या होता है, SLR हुआ चाहे आपका CRR हुआ, ये आपका फिक्स्ड परसेंटेज होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती कितना परसेंट आपको अपने पास रखना है, कितना परसेंट आपको मेरे पास रखना है। जब आपका इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो RBI SLR को इंक्रीज कर देती है, जब डिफ्लेशन का टाइम होता है तो RBI SLR को डिक्रीज कर देती है। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो भैया बैंक रेट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। हाँ जी, बैंक रेट क्या होता है बताइए ना। हाँ जितेंद्र प्रजापति, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ओवरनाइट लोन को क्या बोलते हैं, और बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट भी आपका वही रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, वो रेट को हम लोग बैंक रेट भी बोलते हैं। तो मैम रेपो रेट भी आप यही बोल रहे थे, बैंक रेट भी आप यही बोल रहे हैं, तो रेपो रेट में और बैंक रेट में डिफरेंस क्या हुआ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए बैंक रेट में और रेपो रेट में डिफरेंस क्या हुआ। जल्दी से अवंती, क्या डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट में, आपका क्या डिफरेंस है? याद रखिएगा कि बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल, जो बैंक रेट होता है ना, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए, जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को, तो उस पर जो चार्ज करती है इंटरेस्ट उसको बोलते हैं बैंक रेट, और जब शॉर्ट टर्म के लिए देती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं आपका शॉर्ट टर्म के लिए, रेपो रेट। और जैसे कि आपका एक दिन के लिए दे रही है, 10 दिन के लिए दे रही है, 14 डेज के लिए दे रही है, 50 दिन के लिए दे रही है ना, 6 महीने के लिए दे रही है, तो वो सारा आपका रेपो रेट के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है इससे क्वेश्चन आपका 100% आता है, स्टार मार्क कर दे रही हूं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब जहां पर गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज जो होती है उसको बाय और सेल किया जाता है। तो ये किस लिए, जब मार्केट में पैसा को ज्यादा करना हो, जब मार्केट में पैसा को कम करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी पॉलिसी जो होती है इसको अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं देखिएगा इसको, तो जब हम लोग सिक्योरिटी को सेल करते हैं, तो सिक्योरिटी का सेल कब करते हैं,
जब आपका मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है, जब मार्केट में आपका इन्फ्लेशन का कंडीशन होता है, तब आरबीआई क्या करता है, अपना सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देता है। और जब आपका मार्केट में डिफ्लेशन का समय आता है तो आरबीआई सिक्योरिटीज को बाय करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको मार्केट में पैसा को इंजेक्ट करना है, अगर आरबीआई को मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना मतलब मार्केट में पैसा लाना है, तो वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज का सेल कर देगा। और जब उसको मार्केट से पैसा निकालना है तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज का बाय कर लेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो सेलेक्टिव मेथड कौन कौन से हैं आपके, क्वालिटेटिव मेथड को ही हम लोग सेलेक्टिव मेथड भी बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, क्रेडिट रैशनिंग, मोरल सुवेशन, डायरेक्ट एक्शन, दिस ऑल आर द काइंड ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके हैं, ठीक है ना, जो भी आपका जो भी आप उधार दोगे, कमर्शियल बैंक क्या करता है कि उधार देता है, इंडस्ट्री को भी देता है, एजुकेशन सेक्टर को भी देता है, माइनिंग सेक्टर को भी देता है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर को भी देता है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि हम आपको एक लिमिटेशन बता दे रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को आपको इतना ही देना है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को इतना का ही लोन देना है, एजुकेशन इंडस्ट्री जो है बूम कर रहा है इसमें अधिक का लोन दीजिए, यानी वो क्या करता है, क्रेडिट का रैशनिंग कर देता है, इसी को हम लोग कहते हैं। दूसरा, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि कभी भी किसी को आप अगर लोन दे रहे हैं तो उसके बदले में क्या रखिए, कोलेटरल रखिए, क्या रखिए, कोलेटरल रखिए, यानी कि सिक्योरिटी रखिए, और वो थोड़ा सा ज्यादा रखिए। जैसे कि अगर आप किसी को मान के चलिए कि 10 लाख का लोन दे रहे हैं तो इस पर मार्जिन रखिए, जो सिक्योरिटी आप रख रहे। देखो अब लोन तो ऐसे नहीं मिलता है ना, कुछ तो आपको बंधक रखना पड़ेगा, कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा। तो अगर आप 10 लाख का लोन दे रहे हैं किसी को, तो आरबीआई कहता है कि आप कम से कम 12 लाख का सिक्योरिटी अपने पास रखिए, तब जाके आप 10 लाख का लोन दीजिए, तब बैंक फायदे में रहेगा। आप 10 लाख का दे रहे हैं लोन और 10 लाख का सामान ले रहे हैं, आगे चलकर उसका वैल्यू कहीं डिक्रीज कर गया तो होगी अपने को तो घाटा। तो ऐसे नहीं चलेगा बैंकिंग। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है कोलेटरल, आपको सैंक्शन जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, वो आपको हाई एबिटेज का रखना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्शन में बोलती है कि देख लो भैया कमर्शियल बैंक, हम जो बोल रहे हैं वो करो, और अगर हम जो बोल रहे हैं उसको नहीं करोगे ना तो आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो क्या एक्शन लेंगे, तो आपके ऊपर पनिशमेंट कर देंगे। तो क्या पनिशमेंट कर देंगे, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, आपका बैंक का लाइसेंस रद्द कर देंगे, आपको बैंकिंग इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, नेशनलाइजेशन जो है वो आपका कैंसिल कर देंगे। तो वो डायरेक्टली उसको एक्शन लेता है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बात अगर कमर्शियल बैंक नहीं मानता है तो ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दे दीजिए, इतना हम लोगों ने बैंक के बारे में पढ़ा है तो बैंक का एकाध दो क्वेश्चन करना तो बनता है जी। चलिए फटाफट से बताइए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या आरबीआई डायरेक्ट सुपरविजन रखता है म्यूचुअल फंड के ऊपर, या मॉनेटरी कंट्रोल जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू हो सकता है, और प्राइमरी डीलर जो होते हैं वो शेयर और म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और अगर एसएलआर डिक्रीज करेगा तो मार्केट में क्या क्रेडिट का क्रिएशन हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है वो आपको बताना है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट सुपरविजन नहीं करता है डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड का, तो कौन करता है जरा बताइएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए गलत है तो कौन करता है, अगर आरबीआई नहीं करता तो कौन करता है उसका नाम बता दीजिए। और मॉनिटरी कंट्रोल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, और प्राइमरी डीलर जो होता है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और बॉन्ड होता है, ना कि शेयर और म्यूचुअल फंड। और आपका अगर एसएलआर अगर आपका डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट क्रिएशन जो होगा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेबी हो जाएगा। व्हाट इज रेपो रेट, अभी मैंने आपको बताया कि रेपो रेट क्या होता है, तो आप इसको आप बता दो इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सेबी, बिल्कुल जयश्री, अवंती, काजल, मनीषा, सुब्रमण्यम, सोनी, डेविड, सोनी, स्तुति, जितेंद्र प्रजापति, काजल, रूना, ऑल आर करेक्ट।
हाँ जी, रेपो रेट क्या है? जिस रेट पर आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को देता है पैसा, या इंटरनेशनल एजेंसी आरबीआई को देती है पैसा, या जिस रेट पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को देता है पैसा, या जिस रेट पर आरबीआई बोरो करता है फंड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेपो रेट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है 1 दिन से लेकर आपका 365 दिन के बीच में, और बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, बताओ इतना इजी इजी क्वेश्चन अगर आप लोग को देगा तो आप लोग फोड़ कर नहीं आ जाओगे। चलो इसको जरा मेरे को बताओ कि अगर रिवर्स रेपो रेट अगर टूल है तो रिवर्स रेपो रेट का यूज क्यों करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मार्केट में इंजेक्ट का मतलब क्या होता है? पैसा डालना। ऑब्जर्व का मतलब पैसा को मार्केट में ऑब्जर्व कर लेना, निकालना, या क्रेडिट को प्रोटेक्ट करना, या रिजर्व को बिल्डअप करना। हाँ जी, आंसर बताइए ना। रिवर्स रेपो रेट जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरली टू किस लिए यूज करता है? तो बिल्कुल लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, है ना। इसके लिए आपका क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का मेनली आपका यूज होता है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताइए जरा। इंटरनेट बैंकिंग के रिगार्डिंग, इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? जो भी घर बैठे बैठे आराम से 24x7 जो आपको अवेलेबल है, जो आप मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप के माध्यम से कर ले रहे हैं, यही हमारा इंटरनेट बैंकिंग है कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ता है, घर बैठे बैठे आप काम कर लेते हैं, पैसे का ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना बैंक का स्टेटमेंट देख लेते हैं, NEFT कर लेते हैं, RTGS कर लेते हैं, IMPS कर लेते हैं। IMPS का फुल फॉर्म बता दीजिए और IMPS का मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? यहां पर क्या पूछा, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो भैया इंटरनेट बैंकिंग से आप तो पैसा नहीं निकाल सकते हैं, पैसा निकालने के लिए तो हाथ में पैसा आना चाहिए ना। अब ये मेरे पास तो ये मोबाइल से तो मैं इंटरनेट बैंकिंग तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें डाबूंगी तो इससे पैसा कैसे निकलेगा? ये पैसा थोड़ी पैसे का मशीन तो नहीं है ना, लेकिन आपको उसके लिए बैंक जाना पड़ेगा। अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड से पैसा निकलता है, आजकल ग्रीन चैनल होता है छोटा सा, उसमें जाके कार्ड स्वैप, मतलब फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बैंक जब जाओगे कार्ड से स्वैप करोगे, विड्रॉल लिखोगे, तो आपका वहां बैंक वाला ट्रांजेक्शन करेगा और आपको पैसा हाथ में दे देगा। लेकिन इसके लिए भी आपको बैंक जाना पड़ता है, भले फॉर्म ना भरना पड़े, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट बता दीजिए। सेंट्रल बैंक जो होता है वो क्या नहीं करता है या क्या करता है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। यस, मैक्सिमम 2 लाख है, मिनिमम आपका 1 रुपया। IMPS आप लोगों ने यूज किया है? एक काम कीजिए, आज आप लोग सब लोग IMPS, NEFT, RTGS यूज कीजिए। मैं अपना अकाउंट नंबर आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग सभी लोग पैसा ट्रांसफर करिए और देखिए कि आपका IMPS, RTGS, NEFT ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। कैसा आइडिया है? हाँ बस बस, SBI का ग्रीन कार्ड के बारे में ही बात कर रही हूँ, बिल्कुल। चलिएगा इसका मेरे को आंसर बताइए। इतना पैसा नहीं है। अरे IMPS का मिनिमम लिमिट 1 रुपया, NEFT का मिनिमम लिमिट 1 रुपया, और RTGS का मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपया। तो 2 लाख 2 रुपया दीजिए मेरे को और ट्रांजेक्शन करके देख लीजिए। जितेंद्र मैं अपना दूंगी, आपको अपना नहीं देना है ना, आप तो मेरा दुकान ही बंद करवा दोगे। 2 लाख 2 रुपया आपको चाहिए सीखने के लिए। चलिएगा इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल बैंक इंटरवेन टू अफेक्ट एक्सचेंज रेट। बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जो है, वो विनिमय दरों को हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है? तो क्यों नहीं करता है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ट्रेड फ्लो को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी। अब देखो ये जो आया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि 21 या 22 का आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग तो रिजर्व पढ़ा, हम लोगों ने कैश रिजर्व रेशियो पढ़ा,
एसएलआर पढ़ा, रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, सेकेंडरी रिजर्व तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, और कुछ ऐसा होता भी नहीं है, सिलेबस में भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूछ दिया सेकेंडरी रिजर्व क्या होता है। अब लगाओ अपना दिमाग और बताओ सेकेंडरी रिजर्व क्या होगा, थोड़ा सा तो अपना भी दिमाग लगाओ ना आप लोग। अच्छा आरटीजीएस नहीं हो रहा है, सभी लोग दुआ कीजिए कि अवंती पास हो जाए, क्योंकि अवंती बोल रही है कि मैम पेपर पास होने के बाद आपको गुरु दक्षिणा देंगे, और गुरु दक्षिणा में अवंती मेरे को 2,02,000 रुपए देने वाली है। सब कोई प्रे कीजिए कि अवंती का जेआरएफ क्लियर हो जाए, फटाफट से प्रे कीजिए सभी लोग, 2,02,000 रुपया आएगा, पूरा पार्टी करेंगे हम लोग सबके घर पे, मैं पिज्जा ऑर्डर करूंगी, फिर जूम पर एक मीटिंग हम लोग करेंगे और सब लोग साथ में पिज्जा खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कैसा आइडिया है, चलेगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो कैश अगर हाथ में है तो ये तो प्राइमरी रिजर्व है, कैश मेरे पास है तो ये तो प्राइमरी रिजर्व हो गया, कोई छीन के लेके जाएगा नहीं हमारे पास। अगर सीआरआर में पैसा है तो ये भी हमारा प्राइमरी रिजर्व है, डायरेक्टली मेरे पास पैसा ये आ जाएगा। अगर एसएलआर में है तो ये भी प्राइमरी रिजर्व है। जब ये तीनों प्राइमरी रिजर्व है तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर 3, भगाओ उसको, वही तो आंसर है, ठीक है। अरे बाप रे, नेट जेआरएफ क्लियर होने के लिए अगर आप लोग 2-2 लाख देने लगे तब तो हो गया। अरे भैया 2,000 का कोर्स तो परचेस नहीं करते हो, 2 लाख रुपया दोगे हाँ, सिर्फ मुझे झूठी संतावना दे रहे हो आप लोग और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, बीसीएस बीसीबीएस क्या होता है, चलेगा। तो हमारा क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं बीसीबीएस पर। इसको हम लोग बीसीबीएस जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजर। अब हम लोग थोड़ा सा बेसल नॉर्म्स क्या होता है इसको देख लेते हैं। बेसल नॉर्म्स जो बनाया गया है ये आपका वर्ल्ड लेवल पर बना है। यहां पर आपका एक समय आया था आई थिंक सो कि 1929 में ग्लोबल लेवल पर सिचुएशन ऐसा आया था कि ग्लोबली मार्केट जो है पूरा वो धाराशाही हो गया था। तो उस समय आपका बैंकिंग सिस्टम जो था आपका वर्ल्ड लेवल पर काफी वीक था। तो उसके बाद बेसल नॉर्म्स आपका बनाया गया और बोला कि नहीं, हम लोग को अपने बैंकिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना होगा और वर्ल्ड लेवल पर, मतलब इंडिया के बारे में बात नहीं हो रही, इंडिया के बारे में जब बात होगी तो इंडिया का पप्पा जो होगा वो आरबीआई होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में। ये वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है, यानी कि सारे कंट्री के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो यहाँ पर बैठते थे। तो उन्होंने बेसल नॉर्म्स बनाया वर्ल्ड लेवल पर कि बैंकों को किस तरीके से चलाया जाए, तो कि बैंक में आपका जो है ना कि धाराशाही ना हो, क्योंकि बैंक जो होता है वो किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल इकोनॉमी का बैकबोन होता है। बैंकिंग इंडस्ट्री जितना स्ट्रांग रहेगा, मान के चलो कि आपका जो ये क्या कहते हैं आपका जो इंडस्ट्रीज है वो उतना स्ट्रांग रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा काम होगा, उतना प्रोडक्शन होगा, उतना आपका मैन पावर को जॉब मिल जाएगा, उतना आपका मार्केट में पैसा आएगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो सारा कुछ आपका कहीं ना कहीं जो है वो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। तो बैंकिंग को स्ट्रांग करने के लिए आपका बेसल नॉर्म्स लाया गया। बेसल नॉर्म्स कब आया जरा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए ना। हाँ जी, बेसल नॉर्म्स कब आया जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसल नॉर्म्स का आपका ये आया, क्या कहते हैं आपका फंडा आया, और यहाँ पर क्या बोला गया कि इंटरनेशनल बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए आपका जो है बेसल कमेटी बनाई गई। बोले कि बेसल नॉर्म्स आएगा, और बेसल नॉर्म्स मतलब रूल रेगुलेशन पॉलिसी। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि अरे ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका ये होगा, सीनियर सिटीजन जो है 60 के ऊपर है उनको जो है वृद्धा पेंशन मिलेगा, तो ये नॉर्म्स है। तो वैसे बेसल नॉर्म्स बनाया गया बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कि इसके अकॉर्डिंग आपको सारा काम जो है फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो ये नॉर्म्स बनाने वाला काम है ना वो एक कमेटी को सौंप दिया गया, उस कमेटी को हम लोग बोलते हैं बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो बीसीबीएस है, बीसीबीएस ठीक है ना, ये कब आपका स्टैब्लिश किया गया था, तो आपका ये जो आपका है बेसल नॉर्म्स, यहाँ पे 1974 में 10 कंट्रीज आपस में मिलकर, 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे वो आपस में मिलकर क्या किए, बेसल नॉर्म्स को स्टैब्लिश किए, और वहां पे कमेटी 2009 में एक्सपेंड की गई, ठीक है, अगेन 2014 में फिर से एक्सपेंड की गई, और उसके बाद अभी करंट में आपके 49 यहाँ पर कितने हैं इसके मेंबर्स हैं। बेसल नॉर्म्स इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में बेसल सिटी है, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। ये BIS कब फाउंड किया गया, तो ये 1930 में आपका जो है ये बिल्डिंग है आपका BIS का, वो बिल्डिंग आपका 1930 में किया गया फाउंड। चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग, तो बेसल नॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले बेसल नॉर्म्स वन आया, तीन बेसल नॉर्म्स है, बेसल नॉर्म्स वन टू और थ्री, तीनों में अलग अलग बातें कही गई है। सबसे पहले हमारा बेसल नॉर्म्स वन आया 1988 में आया, वहां पर क्या बोला गया, कैपिटल मेजरमेंट कॉल्ड बेसल कैपिटल अकॉर्ड, है ना, अकॉर्ड बोलिए नॉर्म्स बोलिए एक ही बात है, बेसल कैपिटल ये नॉर्म्स या अकॉर्ड जो है उसको हम लोग वहां पर लाया गया और उसको हम लोग बेसल वन के नाम से जानते हैं। इंडिया ने जो उसको अडॉप्ट किया वो 1999 में किया, वर्ल्ड लेवल पर जो आया था 1988 में आया था, लेकिन भारत सोच समझ के होले होले से आराम से जो है 1999 में इसको अडॉप्ट कर लिया। इसका मेन फोकस क्या था कि क्रेडिट रिस्क को कम करना। अब ये क्रेडिट रिस्क क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ जी, क्रेडिट रिस्क सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, देखो ऐसे कैसे चलेगा। बोलते हो मैम रिविजन सेशन लेकर आइए, पूरा रिविजन कराइए, और मैं पूरा अपना मेहनत कर रही हूँ, पूरा आपके लिए सेशन लेकर आ रही हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना सेशन को शेयर कर रहे हो, ना सेशन को लाइक कर रहे हो। देखो इतने कम बच्चे हैं, इतने कम बच्चे में तो मैं सेशन नहीं ले पाऊंगी भाई, फ्रेंकली स्पीकिंग। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा दिया और आपका पैसा डूब गया, इसको हम लोग क्रेडिट रिस्क बोलते हैं बेसल नॉर्म्स के लैंग्वेज में, याद रखना। फाइनेंशियल रिस्क नहीं बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क बोलकर कुछ नहीं होता है, क्रेडिट रिस्क बोलकर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बेसल नॉर्म्स वन आया, वहां पर क्या बोला गया कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है आपका कम से कम 8% जो है आपका कैपिटल वहां पर होना चाहिए, किसका, रिस्क वेटेड एसेट्स का, ठीक है, किसका, रिस्क वेटेड एसेट्स का। तो कैपिटल एडिक्वेसी का रेशियो का मतलब इतना तो आपको रखना है, और टीयर वन टीयर टू कैपिटल दोनों मिलाकर आपको कम से कम इतना आपका होना चाहिए, कितना, 8% आपका जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। अब मैम ये टीयर वन टीयर टू कैपिटल क्या होता है, तो देखिएगा टीयर वन कैपिटल, टीयर वन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो बैंक का कोर कैपिटल होता है ना, जो मेन कैपिटल होता है, जो कि आपका रिजर्व को दिखाता है या बैंक का इक्विटी को दिखाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका कोर कैपिटल। टीयर वन में कोर कैपिटल आता है। टीयर टू में मैम क्या आता है, तो टीयर टू में आपका सप्लीमेंट्री कैपिटल आता है, उसमें हम लोग जो रिजर्व होता है ना उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इसमें आपका सबऑर्डिनेट डेट आता है, अनसिक्योर्ड डेट आता है, ये सब आता है आपका किसमें, टीयर टू कैपिटल में। तो टीयर वन में कोर कैपिटल आता है और टीयर टू में आपका सप्लीमेंट्री कैपिटल आता है। तो ये दोनों को मिला के इसका कम से कम आपको 8% जो है आपको क्या मेंटेन करना है, आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। मान लीजिए कि अगर 100 है तो 100 का 8% यानी कि 8 रुपए तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। और ये माना गया कि कैपिटल एडिक्वेसी जितना रेशियो जितना हाई रहेगा उतना ज्यादा बैंक जो होगा वो स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल काजल, 1988 में, 2004 में और उसके बाद 2010 में। चलिएगा ठीक है। अब बेसल टू आया, बेसल वन आया, उसके बाद वो भी कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखा, उसके बाद भी प्रॉब्लम जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में चलते गए। तो बोले कि भैया प्रॉब्लम इस तरह से चलते रहेगा तो काम कैसे चलेगा, तो बोले कि चलो बेसल वन में कुछ और सुधार करते हैं और उसके बाद बेसल टू लाते हैं। याद रखिएगा कि जितना बेसल आपके पास आते गया, बेसल वन से बेसल टू, बेसल टू से बेसल थ्री, उतना सुधार होते गया और वो अपग्रेड करते गया। तो बेसल टू जो हुआ वो पब्लिश कब किया बीसीबीएस ने, बीसीबीएस का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए, और बीसीबीएस कब एस्टेब्लिश किया कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट से बता दीजिए मेरे को, ठीक है। तो बेसल टू आपका कब आया, 2004 में आया। इंडिया में कब आया, 31 मार्च 2009 में आया। उसमें क्या बोला गया, रिफाइंड और रिफॉर्म वर्जन था ये आपका बेसल वन का, और इसके अंदर आपका थ्री पिलर्स को रखा गया। थ्री पिलर्स कौन है इसको आगे हम लोग देखते हैं अभी। सबसे पहले कि कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी जो होता है वो बैंक का साउंडनेस को दिखाता है, यानी कितना आपके पास जो है कैपिटल है एडिक्वेट, कितना कैपिटल आपने पर्याप्त पूंजी कितनी रखी है, इससे आपका क्या होता है कि आपका बैंक कितना साउंडनेस है, मतलब कितना वेल्दी है वो पता चलता है, और साथ में रिस्क एक्सपोजर जो होता है वो भी आपका क्या होता है, आपका कम हो जाता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है ये कहां पर आया था, बेसल नॉर्म्स में ये वर्ड आपका आया था कि हर बैंक को कम से कम अपने पास इतना कैपिटल तो रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में उस पर बात हुई थी कि 8% आपका रखना जो है वो सफिशियंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, तो टीयर वन प्लस टीयर टू रिस्क वेटेड एसेट्स यानी कि RWA का, ठीक है। कभी कभी आपको RWA का फुल फॉर्म पूछेगा तो RWA ऊपर चल जाएगा और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपका नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला आपको याद करके इसका रखना है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल फंड हमारा क्या होता है, टीयर वन में कोर कैपिटल हो गया, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और टीयर टू में कैसा कैपिटल हो गया आपका, जो आपके अनएक्सपेक्टेड लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैपिटल। आगे बात करते हैं अगर कैपिटल फंड कितना होना चाहिए मिनिमम, तो एग्जिस्टिंग बैंक का 9%, प्राइवेट सेक्टर का 10%, इंश्योरेंस बैंक का 10% और आपका लोकल एरिया बैंक को 15% जो है बोला गया है, कम से कम मिनिमम इतना फंड जो है वो आपका होना चाहिए। इंडिया में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इतना रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, बेसल टू में आपके तीन पिलर है, पहला मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू और थर्ड है आपका मार्केट डिसिप्लिन। ये तीन बेसल नॉर्म्स के आपके तीन पिलर है। हाँ जी, बेस्ड कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, नहीं 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 कब आया बीसीबीएस कब आया था, हाँ जी बीसीबीएस कब आया था फटाफट से बताइए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो ये बेसल टू हो गया, बेसल थ्री आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसल थ्री से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बेसल टू के बाद उसका और एडवांस वर्जन आपका बेसल थ्री था, इसमें काफी सारी चीजें चेंज की गई, बोले कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो मेरा 8% था उससे मेरा काम नहीं बन पा रहा, उसको हम 12.9% कर देते हैं, और टीयर वन टीयर टू कैपिटल का जो मिनिमम मेरे को मेंटेन करना होगा ना वो 10.5% और 2% हम लोग करेंगे किसका, रिस्क वेटेड एसेट्स का रिस्पेक्टिवली। उसके बाद बेसल थ्री में बोला गया कि हम लोग काउंटर साइकिल बफर रखेंगे। काउंटर साइकिल का मतलब जो आपका कंजर्वेशन है, जो आपका मेंटेन करना है उसको कितना करेंगे, 0 से लेकर 2.5% तक का हमारे पास कैपिटल में क्या होना चाहिए, बफर होना चाहिए। लीवरेज के बारे में बात किया गया कि लीवरेज रेट जो है वो कम से कम आपका 3% लीवरेज रेट आपका होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या बोला गया कि आपका बेसल थ्री में बोला गया कि 2 लिक्विडिटी रेशियो हम लोग क्रिएट करेंगे, एक ऐसे LCR क्रिएट करेंगे, एक आपका NSFR क्रिएट करेंगे। LCR का मतलब क्या होता है कि बैंक को आपका जो है बफर हाई क्वालिटी का लिक्विड एसेट जो है अपने पास रखना होगा, और ये आपका बैंक को रन करने के लिए और रिस्क के सिचुएशन से बचाने के लिए ऐसा क्या किया गया था, ये सजेस्ट आपका किया गया था। तो बेसल थ्री में आपका एक और वर्ड था NSFR। NSFR क्या होता है, नेट स्टेबल फंड रेट। अगर आपको लग रहा है कि मैम बेसल रेशियो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, स्पीड में हो रहा है, तो मैं आपका बेसल नॉर्म्स को इसलिए स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि बेसल नॉर्म्स ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ा दिया है पूरे 1 घंटा लेकर, तो 1 घंटे में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, वो वाला वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, BCPS जो है 1974 है। बेसल 1 2 3 4 बिल्कुल इजी है, आराम से मैंने याद कराया है इसको, वो वीडियो मैं आज शेयर कर दूंगी डिटेल से, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। NSFR क्या होता है, यहाँ पर बैंक का जो फंड होता है कम से कम उसमें 1 साल का जो आपका चलाने के लिए जो रिसोर्स चाहिए उतना फाइनेंस जो है आपका बैंक में कम से कम वहां पर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं नेट स्टेबल फंड रेट, यानी बैंक को रन करने के लिए जितना फंड चाहिए उतना फंड कम से कम आपको मेंटेन रखना है आपको मिनिमम 1 ईयर का, ये कहा था किसने, तो बेसल कमिटी ने। तो बेसल थ्री में हमारा क्या आ गया कि मिनिमम कैपिटल जो रेशियो था उसको एनहांस करने पर बात की गई, सुपरवाइजरी रिव्यू को और एनहांस करने के बारे में बात की गई, और जो आपका रिस्क डिस्क्लोजर था उसको भी एनहांस करने के बारे में बात की गई। तो बेसल टू से बेसल थ्री में तीनों में तीन तीन पिलर थे, बेसल टू में भी तीन पिलर है, बेसल थ्री में भी तीन पिलर है, बस बेसल थ्री में लीवरेज 3% बोल दिया, बफर 2.5% बोल दिया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12.9% बोल दिया, SLR आपका आ गया, नेट स्टेबल रेशियो आ गया, ये सारे नए नए टर्म्स जो आपके बेसल थ्री में आ गए थे, ठीक है, और इनहेंस्ड वर्ड सब में आपका जोड़ दिया गया, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन का जरा मेरा आंसर दीजिए ना, बेसल टू के तीन पिलर कौन कौन से, हाँ जी बेसल टू के बेसल टू के तीन पिलर कौन से हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू
लीवरेज, मार्केट डिसिप्लिन और बफर। अभी मैंने आपको बताया कि बफर के बारे में ना बेसल वन में बात हुई है, ना बेसल टू में बात हुई है, थ्री में बात हुई है, तो बेसल टू में तो ये आएगा नहीं, है ना, बेसल टू में तो ये आएगा नहीं, बफर को काट दो। लीवरेज 3% रखना, ये भी बेसल नॉर्म्स 3 में बात हुई है, तो ये भी आप काट दो, ठीक है ना, कहां गया, ये भी आप क्या करो, ये भी आप काट दो। तो बचा क्या, ए, तो सी कट गया और ई कट गया। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में आपका सी है, तो सी यहां से, अरे क्या हुआ, सी काट दो, यहां पर ई है काट दो, यहां पर आपका लास्ट में सी है काट दो, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट। रिस्क क्या है बैंक में, कि बैंक में आपका रिस्क जो होता है कि आपने बैंक में रखा है पैसा और वो आपका डूब जाएगा, या काउंटर पास पार्ट रिस्क भी होता है, बैंक को भी रिस्क है कि बैंक में, बैंक ने आपको लोन दिया पैसा डूब जाएगा। तो रिस्क जो होता है आपका बहुत सारे टाइप्स का होता है, मार्केट रिस्क होता है, इन्फ्लेशन रिस्क होता है, रेट रिस्क होता है, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट भी आपका अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो रिस्क आपका सिस्टमैटिक भी होता है और रिस्क आपका नॉन सिस्टमैटिक भी होता है। तो जो रिस्क आपका अनकंट्रोलेबल होता है, जिस रिस्क को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, उस रिस्क को हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, ठीक है, कि वो हमारे कंट्रोल से क्या है, आपका बाहर का बात है, और इसको आप क्या कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल, इसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ये रिस्क होना ही होना है। सिस्टमैटिक का मतलब यहां पर क्या है, कि जो रिस्क आपका प्रीडिफाइंड है कि ये रिस्क होगा ही होगा और आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको इसको बियर करना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आपका सिस्टमैटिक रिस्क। ये आपका जो होता है 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा आपका, एक आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक हो गया मार्केट रिस्क, और एक हो गया परचेसिंग पावर यानी कि इन्फ्लेशन रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, कि आपने पैसा रखा और उसका मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो गया कि चेंज हो गया। मार्केट रिस्क क्या होता है, कि मार्केट में जो भी आपके सेल परचेस हो रहे हैं वहां पर वस्तु के दाम में चेंजेस हो रहा है, तो वो आपका मार्केट रिस्क हो गया। इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है, कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया और उससे वस्तु के दाम में की प्राइस जो है आपके इंक्रीज कर गए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन रिस्क कहते हैं। तो ये 3 टाइप के जो है आपके ये रिस्क होते हैं। मैम कौन सी यूनिट है, अरे यूनिट 7 ही चल रहा है अभी, ठीक है, अभी यूनिट 7 ही चल रहा है, चलिएगा। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क हमारा क्या होता है, नॉन सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है जो कि आपका नोन होता है और कंट्रोलेबल फैक्टर होता है। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, कि कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नॉन सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर भी 3 रिस्क होते हैं, एक आपका बिजनेस रिस्क हो रहा है, एक आपका लिक्विडिटी रिस्क होता है, और एक क्रेडिट रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, कि आप मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा, तो ये क्या है, आपके लिए नोन है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है, कि आपके पास कभी पैसा है कभी पैसा नहीं। लिक्विडिटी का मतलब क्या, कि आपके पास कैश के फॉर्म में या कैश कन्वर्ट कर सकते हो उस फॉर्म में आपके पास पैसा है, तो आपके पास कभी पैसा लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है भी नहीं हो सकता है, तो ये आपका क्या है, नोन है, इसको आप जानते हो कि आपके पास कितना पैसा है, तो ये हो गया लिक्विडिटी रिस्क। और क्रेडिट रिस्क का मतलब कि आपने बैंक में कहीं पर पैसा लगाया है और वो पैसा आपका डूबने का डर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो वो रिस्क जो कि आपका अनअवॉइडेबल होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, वो होता है सिस्टमैटिक रिस्क। और जो रिस्क आप जानते हैं, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। तो दोनों का टाइप अलग अलग है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क। कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा का दिक्कत होगा, मार्केट में ऊपर चढ़ाव नीचे चढ़ाव होगा, कंपटीशन आएगा और पैसा डूबेगा या पैसा आएगा, तो ये तीनों आपका नॉन सिस्टमैटिक रिस्क में आ गया। और जो आपके हाथ में है नहीं, अब मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, आप कंट्रोल कर लोगे नहीं, वो तो आरबीआई कंट्रोल करेगा। मार्केट में वस्तु का दाम बढ़ गया, आप कंट्रोल कर लोगे। मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कम कर दिया, रेपो रेट ज्यादा कर दिया, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हो गया, आप कंट्रोल कर लोगे नहीं ना, कंट्रोल कर पाओगे। तो ये क्या होता है, आपका अनकंट्रोलेबल होता है, आप इससे मुंह भी नहीं मोड़ सकते हैं, तो ये अनअवॉइडेबल भी होता है, तो ये क्या हो गया, आपका सिस्टमैटिक रिस्क। गॉट द पॉइंट। कल कौन सा, कल मार्केटिंग होगा, कल आपका मार्केटिंग होगा ना, हाँ कल यूनिट 8 है मार्केटिंग, उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स है, उसके बाद इनकम टैक्स, एकदम लाइन से चल रहे हैं, चलिएगा आगे बढ़े हम लोग। तो आपका ये 3 टाइप का जो होता है रिस्क होता है। एनपीए क्या होता है, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
बैंक से आपने क्या लिया कि पैसा लिया, और बैंक को अगर आप पैसा कंटिन्यू 90 डेज तक नहीं चुका पाते हो तो बैंक के लिए वो आपका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। सपोज कीजिए कि आपने क्या किया कि बैंक से पैसा लिया, आपने बैंक से मान के चलो कि 10 लाख रुपया लिया, तो आपके लिए वो 10 लाख लोन हो गया, लेकिन बैंक के लिए तो वो 10 लाख एसेट्स है ना, कि बैंक आपने दिया है, तो बैंक देख रहा है अच्छा ठीक है 10 लाख हम इसको दिए हैं, और बात हुआ है कि आपको 10% का इंटरेस्ट भी देगा। आपने पहले मंथ दिया, दूसरे मंथ दिया, तीसरे मंथ आपने नहीं दिया, बैंक आपको नोटिस भेजा, आपने कुछ एक्सक्यूज दिया, पेनाल्टी लगाया आपके आपके ऊपर, फिर सेकेंड मंथ भी आपने नहीं दिया पैसा, फिर थर्ड मंथ भी आपने पैसा नहीं दिया, तो जब 90 दिन तक आप अपना प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं चुकाते हो, जो पैसा आपने बैंक से लिया अगर पैसा बैंक को टाइम पर नहीं चुकाते हो 90 दिन तक, तो वो पैसा बैंक के लिए एनपीए की कैटेगरी में चल जाता है, यानी वो एसेट जो अब उसका परफॉर्म नहीं कर रहा है, जहां से उसको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। अब एनपीए में क्या होता है, कॉजेस क्यों होता है, कारण क्या है, एनपीए क्यों होता है, तो विलफुल डिफॉल्ट, कोई आपका क्या होता है कि जानबूझकर क्या करता है कि वो अपना पेमेंट वापस नहीं करता है, रीपेमेंट नहीं करता है, जैसे कि नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गए, विजय माल्या पैसा लेकर भाग गए, तो विलफुल डिफॉल्ट एक इसका कारण है। दूसरा है कि इंडस्ट्री में क्राइसिस आ गया कि हम पैसा लिए थे, अब इसको जैसे कोविड के समय में बहुत लोगों ने बैंक से पैसा लिया, अब अचानक से कोविड आ गया, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया बैंक ये बंद करो, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है, अपना जो बिजनेस, अपना जो कंपनी है, सब बंद करो। आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया था, पूरा दुकान है ना, दुकान सामान सब बंद हो गया था यहाँ पर, तो इंडस्ट्रियल क्राइसिस अगर आ गया या फिर इंडस्ट्री पूरा कोलैप्स कर गया, कुछ ऐसा सिचुएशन ऐसा आ गया, तो उस केस में भी क्या होता है कि आपका जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेसमैन है, वो पैसा कहाँ से चुकाएंगे, तो उस केस में भी आपका एनपीए हो जाता है। उसके बाद क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन मिसमैनेजमेंट, आपने सही से चेक नहीं किया प्रोफाइल, आपने सही से उसको जांच पड़ताल नहीं किया, और आपने क्या किया, मैनेजमेंट सही से नहीं किया, उसके कारण भी आपका क्या होता है कि जब भी आप किसी को पैसा दे रहे, सिंपल सी बात, एक चीज देखो कि अगर मेरे को आज के डेट में पैसा चाहिए, ऐसा कौन है किसी को पैसा नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए, तो मेरे को आज के डेट में अगर पैसा दे रहे तो मैं बैंक के पास गई और मैंने मुंह खोल के बोला कि बैंक चाचा मेरे को 10 लाख रुपया दे दो, तो बैंक मेरे को 10 लाख रुपया दे देगा क्या? नहीं, वो पहले देखेगा कि प्रियंका महीने में कमाती कितना है, और प्रियंका का इनकम महीने का 10,000 रुपया है, तो बोलेगा अरे बाबू थोड़ा मुंह देखे, तुम्हारा महीने का 10,000 कमाती हो और 10 लाख का लोन मांगती हो। तो कभी भी कोई भी लोन जब लेता है तो वो देखता है बैंक कि वो आदमी उस लोन को चुका पाएगा कि नहीं, जिसकी जैसी सैलरी होती है, जिसका जैसा ट्रांजेक्शन होता है, जिसका जैसा सिविल स्कोर होता है, उसके बेस पर बैंक उसको लोन प्रोवाइड करता है। तो लोन प्रोवाइड करने के पहले आपको जो है लोन ले रहा है उसकी हिस्ट्री आपको देखनी होगी, मैंने जो मांगा मुझे वो पैसा थोड़ी ना मिल जाएगा, गजब बात करते हो, ठीक है ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लीनियंट लेंडिंग नॉर्म्स, अब पैसा देने के लिए एकदम लीनियंट हो जा रहे हैं, अरे आप तो मेरे घर के हैं, अरे आइए आइए सर पेपर देखिए, अरे आप तो मेरे घर के हैं शर्मा जी, आपका क्या पेपर देखना, चलिए चलिए आपको दे देते हैं। और पता ये चला कि 10 लाख का लोन वो लेकर गया है और मेरे पास 5 लाख की जमीन रखा है, मैंने पेपर का सही से वेरीफाई नहीं किया, उसको लोन दे दिया, तो मेरे तो एनपीए होना ही होना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि जागरूक रहना होगा, जब भी बैंक का जो बच्चे लोग क्वालिफाई करते हैं ना एग्जाम, तो उनसे इंटरव्यू में 100% एग्जाम, हमारा याद है, हमें याद है अच्छे से कि हमारे ग्रुप में जब इंटरव्यू था किसी का, सबसे पहले इंटरव्यू एक बच्चे का हुआ था, बच्चा क्या मतलब दोस्त, आज की डेट में वो ब्रांच मैनेजर है आपका मैंगलोर में, तो उसका इंटरव्यू हुआ था, तो उसका इंटरव्यू का प्रिपरेशन था, तो हम लोग सब बैठे हुए थे, 10 लोग हम लोग थे, तो बोला कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि भाई एनपीए को कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है, तो वो बोला कि अरे, और वो सेम क्वेश्चन एग्जाम इंटरव्यू में उसका पूछा भी था कि एज अ बैंकर आप एनपीए को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो बैंक इंटरव्यू में पूछता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग में आजकल एनपीए का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो रहा है, पेपर जब खोल के देखोगे ना तो एनपीए 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 से आपका जो होता है एग्जाम में पैराग्राफ भी आता है सॉल्व करने के लिए। तो ये सब कॉजेस है आपका, स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट है ना, हाई रिस्क होता है, हाई इनकम बोलते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट मेरे को ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट वहां पर रिस्क भी हाई होता है, तो इसके कारण भी आपका क्या होता है, आपका एनपीए होता है, और एनपीए का इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर देखो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो होती है ना, ये बैक बोन होती है हमारे फाइनेंस की, और अगर एनपीए हो रहा है मतलब क्या कि बैंक का पैसा डूब गया, डूब जा रहा है,
नीरव मोदी जी जाकर वहां पर बैठे हैं, कहां मलेशिया थाईलैंड में पता नहीं कहां जाकर बैठ के एकदम आराम से घूम फिर रहे हैं, एकदम आराम से फोटो वगैरह डालते रहते, कभी कभी देखती भी हूं मैं। तो आपका एनपीए जब होता है तो क्या उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है जी? हमारे ऊपर भी पड़ता है, हमारी इनकम लेवल पर पड़ता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम हो जाता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है, बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है, है ना, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज कर जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इंडस्ट्री को जो है पैसा नहीं मिल पाता है। अगर कोई आपका 10 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, अगर वही 10 करोड़ आपके पास होता तो आप किसी को लोन देते ना, तो कोई बिजनेस करता ना, कोई किसी को कंपनी खोला तो किसी को रोजगार मिलता ना, किसी को रोजगार मिलता, किसी के पास सैलरी आती ना, सैलरी आती तो उसका लेवल स्टैंडर्ड जो वो आपका इंक्रीज करता ना, तो कितना फायदा होता है। जो बैंक में पैसा रखा हुआ है वो बैंक में नहीं रखा हुआ, वो मार्केट में है, और जो मार्केट में पैसा है तो घूम फिर के वो आपके पास ही आ रहा है, तो इससे आपके ऊपर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। तो ये हमारा एनपीए जितना ज्यादा होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में, उतना हमारा देश का इकोनॉमी जो होगा वो भी हिलेगा, इस चीज को समझ जाइए। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। तो टाइप्स ऑफ एमपीए क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड होता है आपका, उसका आपका अलग अलग डेट है आपका। सब स्टैंडर्ड क्या होगा, जब आपका कोई एनपीए है अगर वो 12 महीने तक चल गया तो उसको सब स्टैंडर्ड हम लोग एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, 90 दिन तक है तो वो एनपीए है, 12 महीने तक है, 90 से लेकर 12 महीने तक अगर जा रहा है तो वो सब स्टैंडर्ड है। अगर 12 महीने से लेकर अगर आपका 18 महीने तक, मोर देन 12 मंथ लेस देन 18 मंथ है तो उसको हम लोग डाउटफुल एसेट्स का कैटेगरी में रखेंगे, और उसके बाद अगर उसके बाद भी अगर आप पैसा नहीं रिकवर कर पाए तो वो आपका लॉस एसेट्स हो जाएगा। इसके पीछे भी है, एनपीए को रिकवर करने का भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कि अगर कोई पैसा आपका एनपीए चल गया तो फिर रिकवरी एजेंसी होती है, उसको पैसा हम लोग उसको हम लोग चार्ज दे देते हैं कि भाई ये वाला है आदमी, इसको मारो पीटो, पैसा निकालो। ठीक है, और जो पैसा अगर आप निकाल लोगे तो 1-2% आपको भी दे देंगे, तो रिकवरी डिपार्टमेंट उसको निकालता है, निकालता है, निकालता है, निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकल पाया तो फिर वो आपका जो पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो पहले एसेट्स आपका काम नहीं कर रहा था, अब वो एसेट्स आपका डूब गया, बोले तो लॉस हो गया। ठीक है, विवाद से विश्वास टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो, बिल्कुल नेहा जी आपकी आज्ञा का पालन होगा। हाँ, वसूली भाई को भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं, बैंक वाले जो होते हैं वसूली भाई रखे हैं वो अपने। ठीक है, एक बार बैंक से लोन लो ना और 2 महीना इंटरेस्ट मत दो, देखो वसूली भाई आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डिजिटलाइजेशन है ना, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। आपको पता है कि बैंकिंग जो है वो आपका डिजिटल फॉर्म में जा रहा है, जिसको कि हम लोग ई बैंकिंग के रूप में जानते हैं, जहां पर जो भी टेक्नोलॉजी होती है वहां पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ईएफटी का हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पर वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग है ना, जो भी बात बोल लो आप, ये सारी चीजें क्या होती है, ई बैंकिंग होती है। 43 हो रहे हैं ना अभी, अभी मैं आपको और 5-7 मिनट पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर जो है हम लोग क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि 10 बजे हमारा ऐप पर क्लास भी है, तो मैं 5 मिनट का आपको गैप दूंगी। ठीक है, बाथरूम वाथरूम करके आ जाना आराम से अगर बैठे हुए हो तो, और उसके बाद हम लोग जो है फिर से एमसीक्यू करेंगे बिजनेस फाइनेंस का। अगर अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक देखो दिया है प्रियंका मैम, टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन में भी दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर मेरे अदर वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, मेरे अदर वीडियोस भी आपको दिख जाएंगे। पहली बार हमारे यहाँ पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास हमारा डेली चलता है 2 घंटे का, और आधे घंटे का टेक्स्ट बुक ऐप पर, डेली में 2.5 घंटा क्लास आपको दे रही हूँ। कब तक दूंगी? तो आपके एग्जाम तक डेली 2.5 घंटा क्लास दूंगी आपको। ठीक है, हाँ चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका ई बैंकिंग का मतलब क्या हो रहा है, कि जो भी आप लोग, जो भी चीजें आप लोग, जो भी बैंकिंग सर्विस है जो कि आपका ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो लैपटॉप के माध्यम से कर रहे हैं आप, चाहे वो आप कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, तो ये आपके ई बैंकिंग में आ जाएगा। जहां पर फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ इसके लिए KYC आपको भरना पड़ता है, नो योर कस्टमर, वहां पर ऑनलाइन आपको डालना पड़ता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो पिन नंबर, इंटरनेट अकाउंट नंबर, ये सब वेरी, NEFT हो गया, RTGS हो गया, पहले इसके लिए बैंक जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, वो भी आपका हो गया।
उसके बाद जैसे कि आपका गूगल पे का वॉलेट है, फोन पे का वॉलेट है, जियो का वॉलेट है, एयरटेल का वॉलेट है, तो ये भी आपका ई बैंकिंग में आ गया। ई बैंकिंग में क्या होता है कि आपका टाइम का सेव होता है, 24/7 कस्टमर सर्विस मिलता है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, बैंक के स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको ई बैंकिंग में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ठीक है ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एंटी ने इसको चेंज कर दिया है, एंटी ने 2023 में बताया हमें ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो भाई दोनों ही सही है, याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी, क्योंकि एनडीए ने ऑटोमेटिक को सही किया है, तो आप लोग भी याद रखिएगा कि ऑटोमेटिक को आपको भी सही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल बैंकिंग का जो सिस्टम आया था वो 2008 में आया था, कि जहां पे मोबाइल से भी आप बैंकिंग कर सकते, पहले खाली लैपटॉप वाला आया था, बाद में मोबाइल बैंक, अभी भी देखिएगा बहुत सारा ऐसा ऐप है जो कि मोबाइल में आपको ओपन नहीं होता है, बहुत सारा ऐसा भी ऐप है जो कि आईफोन में ओपन नहीं होता, अदर मोबाइल में ओपन हो जाता है, तो आपका थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इस पर अभी भी लगा गया है। तो आपका फाइनेंशियल मार्केट, अच्छा अभी तो इतना बड़ा क्वेश्चन एरिया बाकी ही है हमारा, मेरे को लगा कि हमारा कंप्लीट हो गया सिलेबस। बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चन कल भी हुए थे, आज भी होंगे और कल भी होंगे वंदना जी, क्योंकि पूरे वीक में बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चन ही आपको कराने वाली हूँ, ठीक है ठीक है। देखिएगा अब थोड़ा सा हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को देख लेते हैं, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, इतना बड़ा एरिया भी बचा हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट को समझिएगा, जैसा कि आपका सब्जी लेने जाते हो ना तो सब्जी भाजी का मार्केट होता है, तो वैसे हमारा रुपयों पैसे का भी मार्केट होता है, जहां पे खाली रुपया पैसे के बारे में बात होता है, पैसे का लेना पैसे का देना, खाली पैसे का लेना, बोरोइंग और लेंडिंग, बोरोइंग और लेंडिंग, इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। इसमें दो चार कॉन्सेप्ट है, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट में चल जाओ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में चल जाओ। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, अब यहाँ पर अच्छा मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर गरीब कौन है, हम लोग हाउस होल्ड पर्सन गरीब है कि बिजनेसमैन लोग गरीब है, गरीब कौन है, अब गरीब छोड़ो मैं बोलती हूँ भिखारी कौन है, हाँ हाउस होल्ड पर्सन या फिर आपका बिजनेसमैन, कौन भिखारी है जरा मेरे को बताओ तो कमेंट बॉक्स में। हाँ जयश्री बास्ट है, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट कर लेते हैं हम लोग, जब तक है जान जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जो बच जाएगा कर लेंगे। तो भिखारी भैया हमारे बिजनेसमैन लोग है, क्यों, क्योंकि देखिएगा एक हमारा हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड का मतलब होते हैं कि हम लोग, और हम लोग जो होता है हमेशा सेविंग पर ध्यान देते हैं कि 10 रुपया कमाएंगे 2 रुपया बचाएंगे, 50 कमाएंगे 10 बचाएंगे, बचाने ही बचाने पर हमारा फोकस रहता है। और बिजनेसमैन जो लोग होते हैं ना वो हमेशा बोलते हैं पैसा दे दो बाबा पैसा दे दो बाबा, मतलब बिजनेसमैन को हमेशा पैसा चाहिए और हाउस होल्ड को पैसा इन्वेस्ट करना, मेरे को चाहिए कि मैं पैसा अपना कहाँ लगाऊं, और बिजनेसमैन को हमेशा चाहिए दिमाग होता है कि कहाँ से पैसा ले लूं, तो ये लेना और देना क्या होता है डायरेक्टली संपर्क में तो आ नहीं पाते, तो ये लोग एक मार्केट में जाते हैं और मार्केट के थ्रू ये लोग आपस में लेना देना करते हैं, और इसी मार्केट को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, तो आपका ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि रूरल एरिया में आपका अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट चलता है, कैसे कि महाजन से पैसा, मूवी नहीं देखे हो लाला मेरी माँ की चूड़ी दे दे लाला, मूवी नहीं देखे हो, ठीक है सुनील दत्त की जो मूवी थी आपकी, तो आपका अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या होता है, वो मार्केट जहां पर आपका गवर्नमेंट ने उसको नहीं दिया है लाइसेंस लेकिन वो पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो आपका जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, इंजीनियस बैंकर्स हो गए, चीट फंड हो गया, 2 दिन में पैसा डबल, 2 महीने में पैसा डबल, हेरा फेरी मूवी देखा होगा, तो आपका निधि हो गया, निधि योजना, चीट फंड हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, ये सब महाजन वगैरह हो गए, सूद ब्याज वाला बिजनेस हो गया, तो ये सब हमारा क्या होता है अनऑर्गेनाइज मार्केट होता है, जो कि आपको जनरली रूरल एरिया में ही अधिकतर देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कैपिटल मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट में भी आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आता है और लॉन्ग टर्म लोन भी आता है, ठीक है। मनी मार्केट के अंदर आपका कॉल मनी, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल और आपका शॉर्ट टर्म लोन आता है। तो सबसे पहले कि मनी मार्केट क्या होता है, कि जब आपको लेस देन 1 ईयर के लिए पैसे की जरूरत है, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर के लिए, चाहे 1 दिन 2 दिन 91 दिन 92 दिन 100 दिन, तो आप मनी मार्केट में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और कैपिटल मार्केट जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपका फंड जो होता है वो प्रोवाइड करता है और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांजेक्शन होता है। मेरे को जरा बताइएगा कि हम लोग सेबी के बारे में पढ़ते हैं, सेबी SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
सीबी कौन से मार्केट में आता है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को बताइए ना कि सीबी कौन से मार्केट में आता है? सीबी का रोल कैपिटल मार्केट में है कि मनी मार्केट में है? और अगर कैपिटल मार्केट में भी है तो कौन से मार्केट में है? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडस्ट्रियल या गवर्नमेंट? और मनी मार्केट में है तो कौन से मार्केट में है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। बिल्कुल, सेबी का जो रोल आता है वो कैपिटल मार्केट में आता है और सेकेंडरी मार्केट में। तो मैम ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जब कोई भी कंपनी अपने शेयर जब पहली बार इशू करती है, जिसको बोलते हैं आईपीओ। अभी कल परसों ही मैंने कहीं पर शायद डाला था आईपीओ के लिए, मिल नहीं पाया। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी का पहली बार मार्केट में शेयर आता है तो उसको न्यू मार्केट कहते हैं या प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब उसी कंपनी का या किसी कंपनी का दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार अगर शेयर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका सेकेंडरी मार्केट। आइए वन बाय वन इसको देख लेते हैं। तो कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट मेनली आपको पढ़ने होते हैं। और मनी मार्केट के अंदर आपको कॉल मनी, कॉल मनी का मतलब ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए पैसा चाहिए तो एक दिन के लिए पैसा कहां से लोगे उसको कहते हैं कॉल मनी। ट्रेजरी बिल जो होती है आपकी गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है 91 डेज के लिए, 91 के मल्टीपल में 91 डेज, फिर आपका 182 डेज, और फिर आपका कितना हो गया आपका 364 डेज के लिए। कमर्शियल बिल क्या होता है? ये भी आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कमर्शियल पेपर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, रिनाउंड कंपनियां होती है, वो इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आपका मनी मार्केट के अंदर आता है। वन बाई वन इसको हम लोग देखते हैं या यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना? हो तो नहीं पाएगा क्योंकि 10 मिनट में ये पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आज फाइनेंशियल मार्केट तक ही रखते हैं। जहां तक रहा बात आपका कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, इसके बाद का वीडियो मैं किसी दिन आपको टाइम निकालकर रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कल तो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट ही होगा, ठीक है? चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। यहीं तक रखते हैं अपने क्लास को हम लोग आज, ठीक है? कुछ एमसीक्यू मैं करवाना चाहूंगी, देखती हूँ कि एमसीक्यू अगर अवेलेबल हो तो, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा तब जाके पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी इंश्योरेंस बचा है, IRDA बचा है, री इंश्योरेंस बचा है, काफी कुछ अभी भी बचा हुआ है। चलेगा, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दीजिएगा ना। मनी मार्केट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पर आपका, कौन सा मनी मार्केट का दोष है, डिफेक्ट कौन सा है मनी मार्केट में, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अरे मेरे से ज्यादा हड़बड़ी में तो आप लोग रहते हैं। चलिए एमसीक्यू करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। 52 हो रहा है ना, 2 मिनट में आपको छोड़ूंगी, फिर वहां पे लॉगिन भी करना है हमारा। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, डिक्टोनॉमी इन द इंडियन मनी मार्केट, फाइनेंसिंग इंडस्ट्री एंड डाइवर्सिटी इन द इंटरेस्ट रेट। तो कौन सा डिफेक्ट है, यानी कौन सा दोष है आपका मनी मार्केट का? तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अगर कोई है, कहीं से अगर पैसा आ रहा है तो वो दोष थोड़ी तो अच्छी बात है, लक्ष्मी जी को कौन मना करता है। तो ए तो होगा नहीं, ए नहीं होगा तो ए को काट दो, तो बचेगा क्या हमारा? ए यहां कट गया, ए यहां कट गया, और जो बचा हमारा क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, इसको फटाफट से मैच कर लीजिए। इंश्योरेंस एक्ट कौन सा है, मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा है, मरीन इंश्योरेंस एक्ट कौन सा है, जरा एक्ट को मैच कीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है? डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मोटर व्हीकल एक्ट, मरीन इंश्योरेंस, इसको जरा मैच कीजिए फटाफट से। LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। हाँ जी, इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, इसको देख लीजिएगा। चलेगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा, इसका आंसर मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आंसर आपका सभी का मेरे को कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहां पर हम लोग कहते हैं गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। समय रहा तो कल फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और 10 बजे अभी ऐप पर मिली, अगर ऐप नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बिजनेस फाइनेंस के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बाय 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 बाय।